नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द बोल कुल्लर बोल। आप सभी दर्शकों का, आप सभी हमारे मेहमानों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं संजय सिलसवाल आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस चर्चा और परिचर्चा के कार्यक्रम में। एक बार आप लोगों से गुजारिश, एक बार इतनी सर्द में भी आप हमारे साथ बैठे हैं चाय की चुस्कियों के साथ, शहर के विकास पर चर्चा और परिचर्चा के लिए आए हैं। आप सभी का एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूं आप लोग एक दूसरे का हार्दिक अभिनंदन करें, हार्दिक स्वागत करें। सवालों का ये सिलसिला पिछले कुछ हफ्तों से जारी है। बहुत सारे सवाल निकले, बहुत सारे सवाल ऐसे हुए जिनके जवाब मिल पाए, बहुत सारे सवाल जो अभी तक जिनके जवाब नहीं थे। कोशिश करेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज के इस कार्यक्रम में ढूंढने की। आज के इस कार्यक्रम का जो थीम है बेसिकली, हालांकि हम लोग ऑलरेडी एक थीम के साथ काम कर रहे हैं जिस थीम में आज के कार्यक्रम का मुख्य थीम रखा गया था, योगा और उससे रिलेटेड बिजनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में। ऋषिकेश को कहा जाता है ऋषिकेश योग नगरी है, ऋषिकेश धाम है योगा का। योग के बारे में तमाम योग शिक्षक हों या तमाम योग के छात्र हों, उनसे भी आज हम लोग इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं। उनकी समस्याएं, उनके समाधान, उनके सुझावों पर भी आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ एक सवाल जो हमारे पास पिछले हफ्ते के बाकी रह गए थे, उन सवालों की तरफ मैं एक बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशंस की, कितने लोग हैं जरा हाथ खड़ा करके बताएंगे जो स्टूडेंट्स हैं या डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे दिख पा रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम निकल के पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में सामने आई थी। किसी ने एक सवाल पूछा था कि यहाँ पे लाइब्रेरी की एक बड़ी दिक्कत है, लाइब्रेरी की एक बड़ी समस्या है। बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्कूल के प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कूल के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक एटमॉस्फेयर देने वाली, एक ऐसे एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराने वाली लाइब्रेरीज यहाँ पे नहीं है जहां पर जाकर के वो एकांत में जाकर के पढ़ाई कर सके। उनको साथ मिले तो ऐसे लोगों का मिले जो ऑलरेडी उस प्रोसेस में है, जिनसे जिनके एक्सपीरियंस से उनको सीखने को मिल सकता है। तो आपको लगता है, कितने लोगों को लगता है कि लाइब्रेरी एक बड़ी जरूरत है और हम इस पे बात करना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स अप। कोई बात करना चाहेगा इस पे बात करना चाहेगा, किस तरह से क्या होना चाहिए, क्या आप सोचते हैं इस बारे में? कोई लाइब्रेरी के सवाल पे बात करना चाहेगा उधर से? कोई बहुत एनर्जेटिक यूथ है पीछे बैठे हुए। मैं चाहूंगा इधर ही आ जाओ। आप अपना नाम बता दीजिएगा पहले और फिर। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैं यहीं का निवासी हूँ। अभिषेक, क्या लगता है आपको कि क्या जो ये जरूरत की बात हुई अभी, स्पेशली जब हम लोग लाइब्रेरीज की बात करते हैं, क्या लगता है आपको कि ये जरूरी तो ऑब्वियस है लेकिन अभी तक ये हमारे शहर का हिस्सा नहीं बन पाया? कहाँ देखते हैं इस चीज को, क्या देखते हैं, क्या इसको कमी मानते हैं, या लोगों की अवेयरनेस की कमी थी या किसी और सिस्टम की कमी थी कि ये अभी हमारे पास इस तरह से अवेलेबल नहीं हो पाई? और कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में कि हाँ इस तरह का कोई प्रोसेस यहाँ पे बन पाए? मेरा मानना है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे वो विकास से संबंधित हो या राजनीति से संबंधित हो, वो शिक्षा है। और जो नगण्यता या जो अपेक्षाएं सरकार ने शिक्षा को लेकर दिखाई है, वो हमें ऋषिकेश में लाइब्रेरी के संदर्भ में भी नजर आती है। लाइब्रेरी की कहीं भी मुद्दा नहीं रहा। अगर आप कॉलेज के इलेक्शन में जाएंगे तो वहां पर लाइब्रेरी मुद्दा नहीं रहता है। अगर आप लोकल म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन में जाएंगे तो वहां मुद्दा नहीं रहता है, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं रहता है, इवन पार्लियामेंट में भी नहीं रहता है। तो इसमें एक बहुत ही जरूरी है, सामने जो क्या कहते हैं गोपाल कुटी, यहाँ पर एक सो कॉल्ड लाइब्रेरी जरूर है और मैं कभी उसमें जाया भी करता था, मगर वो जो लाइब्रेरी है वो किसी एक छोटे भूकंप की दरकार में है। छोटा भूकंप आएगा और वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे लोग उसी में दब जाएंगे।
तो ये एकमात्र लाइब्रेरी है, इसके अलावा कोई लाइब्रेरी नहीं है यहाँ पर। और लाइब्रेरी जो होती है वो सोसाइटी में जो इंटेलेक्चुअल एक कल्चर होता है, जो बुद्धिजीविता का कल्चर होता है, इसको एक तरीके से इसको डेवलप करने का काम करती है। क्योंकि लाइब्रेरी में अच्छे अच्छे जो लोग होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, और ऐसे शहर में बहुत कम जगह होती है जहाँ पर ऐसे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो जो जिस प्रकार की डिबेट वो करना चाहते हैं वहां पर उनको माहौल मिलता है। तो अगर मैं अभिषेक को कहूं कि अभिषेक ये आपका क्या सुझाव हो सकता है कि किस तरह से इस चीज को हमारे शहर के अंदर डेवलप किया जा सकता है, कहां क्या पॉसिबिलिटीज आपको नजर आती है कि यार ये चीज कर दें तो आसानी से लाइब्रेरी बनाई जा सकती है यहाँ पे, या ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ आपके दिमाग में कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट इसको लेकर के? एक तो गवर्नमेंट लेवल पर है कि जो गवर्नमेंट का एजुकेशन का बजट होता है उसका एक हिस्सा वो लोग लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए लगा दें, कि पूरे राज्य में या फिर डिस्ट्रिक्ट में एक लाइब्रेरी का एक जाल बिछा दें, ताकि और लाइब्रेरी को भी एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डिफरेंट लाइब्रेरी होगी, और जो जनरल समाज के लोग हैं जो न्यूज़पेपर या अदर एक्टिविटीज के लिए होंगे जिसमें लिटरेचर्स की बुक होंगी वो अलग लाइब्रेरी होगी। तो एक तो गवर्नमेंट के लेवल पे हो सकता है, दूसरा जो इंडस्ट्रियल लोग होते हैं तो उसका एक सोशल, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का 2% हिस्सा होता है, तो उनको भी रिक्वेस्ट करी जा सकती है कि आप भी इसमें मदद कर सकते हैं, जो PPP मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप होती है, उसके द्वारा भी डेवलप कर सकते हैं, और फिर समाज में जो फंड रेजिंग होती है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। मगर एक कल्चर एनवायरनमेंट जो है ना वो सबसे पहले गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने पड़ेगा, फिर वो नीचे तक आएगा। अभी मैं रिसेंट एक ऐसी एक गुफ्तगू कर रहा था, हमारे ही शहर के एक यूट्यूब सेंसेशन है जिन्होंने अभी रिसेंटली बहुत सारा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उन्होंने कवर किया है अपने प्रोग्राम्स के अंदर, उनसे बात चल रही थी तो उन्होंने भी इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित किया कि हम कहते हैं ऋषिकेश वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा है। ऑब्वियस है कि अगर हमें किसी भी चीज को पढ़ना है तो हम उसके गढ़ में जाना चाहते हैं। मुझे अगर हिंदुइज्म सीखना है तो मैं कोशिश करूंगा मठों की तरफ आने का, मुझे अगर मंदिरों की तरफ आने का, आस्था के जो द्वार है उन तक पहुंचने का, ग्रंथों तक पहुंचने का। मुझे अगर योगा सीखना है, योगा को जानना है, उसकी जड़ पे पहुंचना है, तो मैं ढूंढूंगा मुंगेर को, या मैं ढूंढूंगा जिसको वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा बोला जा रहा है, ऋषिकेश को। एक सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, एक ऐसा जोन अभी तक यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है कि कोई रिसर्च स्कॉलर आ रहा है या कोई इस तरह के लोग आ रहे हैं जो उसको पढ़ना चाहते हैं, तो उनको एक स्थान मिल पाए, उनको हम लोग एक जगह प्रोवाइड ऐसी कर पाए लाइब्रेरी के रूप में या इस तरह के किसी भी स्ट्रीम के रूप में जहां पे जाकर के पढ़ सकता है उस चीज को। ऑल्दो आज की डेट में बोलने को हम लोग ये कह सकते हैं कि गूगल या और सारी चीजें, इंटरनेट ये सारी नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है, इंटरनेट नॉलेज जरूर दे पा रहा है लेकिन वो एनर्जी गायब है। आपको मेडिटेशन करना दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हिमालय, जो ये हमारे हिमालयन रेंज है, इसका अपना ही अपना एक उपयोगिता है, इसकी अपनी ही एक सार्थकता है। आपको क्या लगता है कि लाइक क्या ये लाइब्रेरी, अगर एक इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आता है तो विल इट मेक अ डिफरेंस जो आज का ऋषिकेश है इन टर्म्स ऑफ जो हमारे यहाँ आने वाले लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं या उनको होस्ट करते हैं, क्या इस चीज को लेकर के फर्क पड़ेगा उसके ऊपर, बिजनेस या अदर चीजों में? आई थिंक डेफिनेटली इट विल मेक ए ह्यूज इम्पैक्ट। जैसे कि आपने बोला कि जो योग है वो आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता है, वो उसका भी एक साइकिल होती है। एक आपके स्टूडेंट होते हैं, फिर उनको पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर होते हैं, फिर रिसर्च स्कॉलर होते हैं, फिर जो योगा करना चाहते हैं वो होते हैं, और फिर सोसाइटी जो योगा को डेली प्रैक्टिस करने लग जाती है। तो हमारे यहाँ ना एक आइसोलेशन में दो इंस्टीट्यूट इधर खुले हुए हैं, कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं वो TTC प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर कुछ लोग बाहर जा रहे हैं। तो एक जो प्रॉपर योग, अगर इसको योगा कैपिटल कहते हैं, तो उसके लिए जो चीज इम्पोर्टेंट है ना, वो इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले ऋषिकेश को एजुकेशनल हब बनाइए। जब तक आप एजुकेशनल हब नहीं बनाएंगे तो आप लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लाके आ रहे हैं? सबके सब तो घर पे बैठ के पढ़ लेंगे अपने। आप Delhi NCR जाइए, Delhi NCR में क्या कंसेप्ट है? मैं Delhi NCR की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो प्रोमिनेंट एरिया है और नियर बाय भी है। NCR के अंदर CA का इतना बड़ा हब है, लक्ष्मीनगर के अंदर वो हब इतना बड़ा है कि लोगों ने अपने घर में भी लाइब्रेरी खोल ली है, पेड लाइब्रेरी। इतने ज्यादा स्टूडेंट्स आ गए हैं कि वो घरों में भी लाइब्रेरी खोल के पढ़ रहे हैं।
मेडिकल स्टूडेंट्स आप ले लीजिए, आप यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स ले लीजिए, अलग अलग प्रोमिनेंट एरिया। ऋषिकेश में ऐसा कौन सा प्रोमिनेंट एरिया है जहाँ पे इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा उनकी बात पे, उन्होंने कहा कि इसको एजुकेशन का हब बनाइए। मुझे लगता है कि अगर ये एक परमानेंट सोल्यूशन जरूर है, लेकिन एक इंस्टेंट सोल्यूशन के तौर पे हमें जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ रहे हैं उनको जरूर एक सुविधा देने की जरूरत है। देखिए परमानेंट वो सोचना चाहिए कि हमें हब बनाना है इस तरह की। आपने जब योगा की बात करी तो पहले आप योगा इंस्टीट्यूशंस का हब तो बनाइए, तब आप लाइब्रेरी बनाएंगे, तब पीपल आएंगे, स्कॉलर्स आएंगे। आपको कितने लोगों को ये लगता है कि योगा इंस्टीट्यूशंस या योगा का जो बिजनेस है ऋषिकेश में, जो योगा का काम है, ठीक है, योगा की पढ़ाई है, उसकी शिक्षा है, वो अभी एक प्रॉपर मैनेजमेंट के अंदर नहीं है? उसमें कोई भी ऐसा मैनेजमेंट नहीं है स्पेशली। थैंक यू सो मच पहले तो अभिषेक का, अभिषेक का एक बार जोरदार तालियां अभिषेक के लिए। योगा का भी एक ऐसा सिस्टम नहीं हम लोग जनरेट कर पाए हैं कि जिसमें हम लोग एक अच्छे स्कूल या ये कहिए कि एक अच्छे संस्थान को डेवलप कर पाए हों। आप में से एक सवाल और पिछले दौर में था, पिछले कार्यक्रम में था, जिस सवाल में पूछा गया था कि गवर्नमेंट की तरफ से इतना बड़ा इनिशिएटिव है योगा के अंदर ऋषिकेश में, हर साल हम लोग योग महोत्सव मनाते हैं एक हफ्ते का, उसमें गवर्नमेंट करोड़ों रुपया खर्च करती है योगा को लेकर के, हम लोगों को वर्ल्ड वाइड हमें एक पूरी दुनिया के सामने प्रमोट किया जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी ऋषिकेश के अंदर डेडिकेटेड नहीं है जो योगा के लिए काम कर रही हो। जो कॉलेज हमारे पास ऑलरेडी हैं, वो कॉलेज भी अभी योगा के सब्जेक्ट्स के ऊपर प्रॉपरली, उनके पास डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, अगर हैं भी तो प्रॉपर फंक्शनिंग डिपार्टमेंट्स नहीं है। मेरा मानना यह है कि पहले आप यूथ को चैनलाइज करिए, यूथ को चैनलाइज नहीं किया जाएगा ना तो उनका मिसयूज किया जाएगा। आज की डेट में आप कोई भी ले लीजिए, पॉलिटिक्स ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, हर यूथ के पास और यूथ के ऊपर इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं, आप लोग खुद नहीं चल रहे हैं, आपको चलाया जा रहा है। आप यहीं देख लीजिए, लाइव एग्जांपल मैं दे सकता हूं, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं और कितने लोग रेडी हैं अपना इनपुट देने के लिए। आज मैं बता दूं आपको, आज बहुत अच्छा इनपुट हमारे पास आ रहा है। ऑब्वियस है यार, ये देख के अभी उन्होंने जो बात कही कि लाइक आज हमारे पास शायद पेज कम पड़ जाएंगे, बहुत सारे, ठीक है। थैंक यू आपके इनपुट के लिए। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कॉलेज के, हम लोग बात कर रहे थे, कितने लोग मानते हैं कि यहाँ पे योगा के लिए एक स्पेसिफिक कॉलेज होना चाहिए और दैट शुड बी द इन द मैनिफेस्टो ऑफ कमिंग इलेक्शन या जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है, क्या क्यों लगता है आपको कि इतनी स्टेंट जरूरत क्यों है? मैं चाहूंगा, बीच में आपने हाथ खड़ा किया था मैम, यू वांट टू स्पीक, आप मैम को एक बार माइक दीजिएगा। आपका नाम क्या है मैम, एक बार नाम बताइए। मेरा नाम काजल है। काजल, ओके। काजल, आप क्या लगता है आपको क्यों या किस तरह से इसको फॉर्म किया जा सकता है, क्या आपका आइडिया है इसके पीछे? सर पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि योगा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेंटली सब तभी फिट हो पाएंगे जब हम अपने को फिजिकली फिट रखते हैं, तो बच्चे को ये समझाना चाहिए कि योग कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर बनाना चाहिए सर एक, ताकि बच्चों, छोटे बच्चों को मैं समझाओ कि मतलब योग क्यों इम्पोर्टेंट होता है इस जमाने में, क्योंकि कोई ध्यान नहीं रखता सर ना अपना, तो जरूरी होता है कि फिजिकली फिट हो, तभी कहीं जाके मेंटली भी फिट हो पाओगे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि सर बच्चों को बचपन से सिखाया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होंगे तो ऑलरेडी हम उनको उसके बारे में समझाएंगे, उसको एजुकेशन में लेकर के आना, अरे एजुकेशन का हिस्सा बनाना। बिल्कुल, एजुकेशन का सर, एजुकेशन प्रॉपर इसको कंपलसरी कर दो, कंपलसरी कर दो। कितने लोग मानते हैं कि योगा कंपलसरी होना चाहिए हमारे यहाँ, एटलीस्ट ऋषिकेश में तो कम से कम योगा कंपलसरी होना चाहिए स्कूल। योग नगरी है तो ऑफ कोर्स होना चाहिए। ये हम लोग कम से कम इसको, हाँ ये एक इम्प्रेशन है लोगों में बाहर, अगर योग नगरी बोला गया है तो एटलीस्ट दिखाओ उनको कि हाँ योग नगरी है तो बना हुआ है एक्चुअली। Exactly. कोई भी आए देखे उसको, एक प्रेजेंटेशन है सर वो हमारे लिए। हम लोग इंडिया में बाहर या कहीं भी जाते हैं, अगर आप कहो कि मैं ऋषिकेश से हूँ तो एक टैगलाइन, एक उन लोगों का एक स्टीरियोटाइप उनके अंदर है कि अच्छा ठीक है, इनको 5-7 आसन तो ये
बिल्कुल बिल्कुल दिखा दो कि हमें भी आता है. ओके दैट्स ग्रेट. अभी एक सवाल और निकल के आया है यहाँ पे कि जो लाइब्रेरीज का जो आइडिया था उस पे किसी ने बहुत प्यारा इनपुट दिया है हमको. चाइना में कुंगफू के जो स्कूल्स हैं उसको एक झील के किनारे वुडन जो उनके हट्स होते हैं उस तरह से बना के पूरे स्कूल्स चलाए जा रहे हैं लगातार. तो उन्होंने वही इनपुट दिया है कि क्या यहाँ मरीन ड्राइव के ऊपर हमारे लाइब्रेरीज रन नहीं हो सकती. एक शांत माहौल रहेगा वहां पे अगर हम लोग छोटे छोटे जैसे हट्स वहां पे बने हुए हैं उन हट्स को कन्वर्ट किया जाए लाइब्रेरीज के ऊपर या वहां पे इस तरह की चीजें प्रोवाइड कराई जाए मरीन ड्राइव के ऊपर कि लोग आराम से गंगा जी के किनारे शांत वातावरण में पढ़ सकें. ठीक है वहां पे अगर उन्हें और एजुकेशन या बाकी चीजें जिन भी चीजों के लिए पीस की रिक्वायरमेंट होती है इस तरह की एक्टिविटीज कर सके. कितने लोग मानते हैं ये पॉसिबल है ये किया जाना चाहिए. एक तो हमारे पास क्राउड पता सबसे ज्यादा कैसा है कि अगर मैं कहूंगा ना होना चाहिए हाँ जी होना चाहिए ठीक है काउंटर वाला कोई नहीं होता ना ना ना, ना ये नहीं होना चाहिए. आप मरीन ड्राइव पे लाइब्रेरी क्रिएट करिए और भी चीजें क्रिएट करिए पर एक्सेसिबिलिटी भी क्रिएट करिए. अगर मुझे आज की डेट में यहाँ से मरीन ड्राइव जाना है तो कितने ट्रांसपोर्ट बदलने हैं कितनी इजी एक्सेसिबिलिटी है मेरे घर से वहां तक जाने के लिए मेरे लिए कन्वीनियंस क्या है. आज की डेट में हार्डवर्क से ज्यादा लोग कन्वीनियंस देखते हैं. कहीं भी जाइए कन्वीनियंस मिलना चाहिए. कन्वीनियंस है तो हम क्यों नहीं जाएंगे वहां पे. जब कन्वीनियंस ही नहीं है तो घर बैठे बैठे हम सोचते हैं यार 2-5 किलोमीटर दूर है कौन जाएगा घर पे बैठ के पढ़ लो. तो वो बहुत जरूरी है. क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट रादर वी नीड टू गो एंड फोकस ऑन दी सॉल्यूशंस. क्वेश्चंस तो चलते रहेंगे. अगला एक सवाल दोबारा जो इससे रिलेटेड है और योगा के ही साथ इसको ऐड किया जाना चाहिए. खेल व्यवस्था हमारे प्रदेश के अंदर हमारे विधानसभा के अंदर या हमारे शहर के अंदर एक मैदान आईडीपीएल का है जो भी वो भी तरस गया है मेंटेनेंस को लेकर के. ठीक है अगर वहां पे मैदान है तो कोचेस अवेलेबल नहीं है. कोचेस हैं तो हमारे पास वहां पे मेडिकल स्टाफ अवेलेबल नहीं है जो या फिजिकल स्टाफ अवेलेबल नहीं है जो हमारे खिलाड़ियों को वहां पे हेल्प कर सके. तो एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि हमारे खेलों को और उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं कि हमारे खेलों को एक तो इक्विवेलेंट दर्जा क्यों नहीं मिलता. खेलों में बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है. कोई खेल ज्यादा बेहतर माना जा रहा है किसी को पीछे. हम लोग शायद जैवलिन को तब समझ पाए जब हमें इस बार जैवलिन के अंदर कोई हमारा हमारे देश का बेटा जाकर के कुछ काम कर पाता है. अदरवाइज हम लोग जैवलिन को पहचानते भी नहीं कि जैवलिन कौन सा गेम होता है. राइट हर खेल को उतना ही दर्जा मिले. और दूसरा पढ़ाई और खेल को इक्विवेलेंट दर्जा मिल पाना. बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं वो खेल में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते. उनको लगता है कि अगर मैं खेल में गया तो मेरा समय वहां चला जाएगा और मेरे पास डिग्री नहीं होगी. क्या हम किसी को क्रिकेट में ग्रेजुएट घोषित नहीं कर सकते हैं? क्या किसी को फुटबॉल में ग्रेजुएट घोषित नहीं कर सकते? क्या किसी को जैवलिन थ्रो में ग्रेजुएट नहीं कर सकते हैं? हो सकता है ना. वो भी तो एक सब्जेक्ट है. उसके पीछे भी तो एक पूरी स्टडी है. उसके पीछे भी तो पूरा एक एफर्ट है. उसने पूरी लाइफ का एसेंस अपना उसमें डाला है. अपनी एक्सपर्टीज उसमें डाली है. बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस को लेकर के वो आगे गया है. तो क्या आपको क्या लगता है कि खेल और पढ़ाई इन दोनों का कुछ समागम ऐसा होना चाहिए कि दोनों को इक्विवेलेंट दर्जा मिल पाए? कितने लोग ये बात से एग्री करते हैं? या कोई अपना इनपुट इस पर देना चाहे? किसी का इनपुट? अच्छा एक मिनट और उसके बाद मैं आप पे आता हूं. जी सर. हेलो. जी सर. हेलो सर धन्यवाद. आज जो आपने हमारे जितने भी लोग हैं जो इस फील्ड से आते हैं दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब. अब मेरे को सुनने में एक और चीज आई है कि यहाँ पे कुछ क्लासेस ऐसी हैं जहाँ पे मार्शल आर्ट और कराटे की क्लासेस हमारे शहर में लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं स्पेशली फॉर वुमेन्स. Let's give a big hand for those people. तो मैं एक बात कहना चाहता था जो अभी तक मेरे को लगी है.
मेरे को करीबन 10 to 12 years हो गया है एक्सपीरियंस मेरा टीचिंग लाइन में जी, और प्लेयर्स लाइन में अभी तक मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ जी। मेरे को वो दर्जा नहीं मिल पाता है, भले ही मैं ऑल इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, नेशनल में मेडल निकाला मैंने राठे से, और लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट का एक एटीट्यूड समझ में नहीं आता है खिलाड़ियों के प्रति। जैसे आपने बात करी क्रिकेट, क्रिकेट गेम हाई मोस्ट है, क्रिकेट को जान रहे हैं, पब्लिक जान रहे हैं, जितने भी बच्चे चिल्ड्रन होते हैं मोस्टली पेरेंट्स बोलते हैं क्रिकेट खेलो जी, क्रिकेट करो, गेम्स करना है, अच्छा है, आपका आके अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको जी, बेहतर मतलब अच्छी कमाई होगी, आपकी अर्निंग अच्छी है इसमें, नेम होगा, फेम होगा, लेकिन हर गेम को उस दर्जा देना चाहिए, कोई गेम किसी का वो कम नहीं है जी, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, हार्ड वर्क है, फिटनेस बनी रहती है इसमें। योग लोग कह रहे हैं योगा द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, ऋषिकेश को माना जाता है जी, योग चल रहा है, लेकिन योग भी अभी लोगों ने तभी जाना है जब मोदी जी ने बोला है हर हर गंगे जय योग करो, तभी जाना है लोगों ने योग, जो योग और मार्शल आर्ट्स का बात मतलब हमारे काफी समय पुरानी ये आर्टें रही हैं, गुप्त कला के नाम से जाना जाता है मार्शल आर्ट्स को जी, ये काफी इतिहास में इनका दर्जा है, काफी पुरानी ये आर्ट रही है, सीखा गया है योग के बारे में, योग मोदी जी ने कहा कि योग करना बेटर है, अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन हर गेम एक अपनी वो रखता है, वैल्यू रखता है, कोई भी गेम खेलो आप फिट रहोगे ही रहोगे, आपको प्रेरित आप करना चाहिए। राणा जी आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि लोग मार्शल आर्ट में नहीं जा रहे, लोग जा रहे हैं लेकिन उनकी रुचि कम हो जाती है क्योंकि फाइटिंग गेम है, हार्ड वर्क है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो बच्चे हैं, जैसी जनरेशन है हमारी, अब जनरेशन ज्यादा वॉच करती है, यूट्यूब वॉच कर रही है, फोन वॉच कर रही है, गेम्स के हट रही है उनका माइंड हट रहा है उनका माइंड, बच्चों को प्रेरित गेम में प्रेरित करना चाहिए, एक्टिविटी में प्रेरित करना चाहिए, फोर्स करना चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा कि इसी गेम्स में करना चाहिए, कोई भी गेम हो लेकिन गेम खिलाना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है, क्या गेम सिर्फ उनके करियर के लिए जब तक यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे उस गेम के करियर के लिए भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए, अगर ये कोर्स करता है, कोर्स चलता है, योग है, योग का भी कोर्स है, 3 years है, 4 years का कोर्स होता है, वैसे जिंदगी बीत जाती है इस कोर्स को करने में, मार्शल आर्ट्स भी ऐसी है, अदर्स गेम्स आप करते हो उसमें भी आपकी एक्टिविटी जिंदगी बीतती है, एक खिलाड़ी प्लेयर्स के लिए तो उसकी मोस्ट पावर ही होती है, हार्ड वर्क ही होता है ना okay. तो बच्चों को मतलब प्रेरित करना चाहिए पेरेंट्स को कि कोई सा भी गेम्स करो, फोन को छोड़ के टीवी देख रहे हैं फोन देख रहे हैं तो सॉफ्ट हो रहे हैं, सॉफ्ट इजिनेशन आ रही है बच्चों में, हार्ड वर्क करने से मतलब विपक्ष हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ पाता है बच्चे का। थैंक यू सो मच राणा जी आपके इनपुट के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर। विस्तार मैं आपसे वेलकम बैक अगेन, उसी सवाल को एक नए फ्रेम के साथ मैं नए इनपुट के साथ मैं आपको देना चाहूंगा, ऐसा क्या है कि कुछ खेलों में लोग बहुत इंटरेस्टेड है, बच्चे भी इंटरेस्टेड है, वो इतने ग्लैमराइज हो रहे हैं, कुछ खेलों के प्रति जो बच्चों का रुझान है वो खोता जा रहा है, ऐसा मतलब यूजुअली हम लोग इस चीज को वो कर रहे हैं कि वॉच कर पा रहे हैं कि हाँ वो लोग इतने इंटरेस्ट के साथ उस खेल में नहीं जा रहे हैं जितना वो लोग क्रिकेट को एडमायर करते हैं। नमस्कार सर, प्रथम तो यहाँ उपस्थित समस्त जनता को, और सबसे पहले तो धन्यवाद मेरा कनक धनई जी और श्री संजय सिलसवाल संयोजक बालाजी टीवी जिन्होंने ये भागीरथ प्रयास करा है जो जनता के मुद्दे जनता के बीच समस्याओं और समाधान दोनों को ला रहे हैं। आपका प्रश्न था एक के हम क्यों नहीं खेल और पढ़ाई को एक उस पर लेके आ रहे हैं। जब मैं छोटा था मुझे मेरे पिताजी ये कहावत बताया करते थे, कहते थे बेटे पढ़ोगे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब जी। सबसे पहले तो हमें अभिभावक वर्ग की इस मानसिकता को दूर करना होगा अगर हमें खेलों में कहीं आगे बढ़ना है। राणा साहब आप सहमत होंगे मेरे उससे, सबसे पहले तो हमें एक इस पर काम करना होगा। दूसरा, आपने जैसे अभी ये नए फ्रेम में सवाल पूछा कि कुछ गेम्स को हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं कुछ नहीं हो पा रहा, इसमें मैं सिलसवाल साहब आपका भी थोड़ा भूमिका चाहूंगा कि मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है। क्रिकेट मैच होता है तो सारे चैनल उसे दिखाते हैं जी। आप भी अगर कोई ऋषिकेश का लड़का क्रिकेट में अच्छा करेगा आप उसे अपने चैनल पे दिन रात उसकी पूरी जन्म कुंडली, ये यहाँ पैदा हुए, ये यहाँ इन्होंने ये करा, लेकिन वहीं अगर कोई लड़का जैसे राणा साहब हमारे अन्य लोकल गेम में हुए तो इनकी आजकल आज से पहले यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति मेरे हिसाब से नहीं जानता नहीं था। ये आपको लगता है कि हम लोग
अभी जैसे पिछले दिनों मोदी जी ने ना लोगों की कैटेगरी बताई कि ये फलाने वाले हैं, ये फलाने वाले हैं, तो आपको लगता है कि हम लोग जो जनता है ये जनता क्रेडिट खोर है? इसको क्रेडिट से मतलब है, जब जब ऋषभ पंत इंटरनेशनल लेवल खेलने लगेगा तब हम उसे कहेंगे कि बेटा उत्तराखंड का है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को नहीं लगता हॉकी का जो वर्ल्ड कप होता है उससे पहले वंदना कटारिया का किसी ने सुना भी हो, राइट जी। तो हम लोग बाद में क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं बजाय इसके कि हम लोग उसकी जर्नी में उसके साथ। मेरा इसमें कहना है कि आप भी एक इनिशिएटिव, आप इतना बड़ा बालाजी टीवी चैनल करते हैं, इसमें भी जो छोटे गेम्स के हमारे स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं, अगर हफ्ते में एक दिन आप अपने चैनल के थ्रू उन्हें थोड़ा प्रमोट करें तो इससे भी एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। क्योंकि बालाजी एक मैं आपके सबके सामने प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं मेक श्योर करूंगा मंथ में एक या दो इंटरव्यूज हमारे चैनल पे हमारे लोकल प्लेयर्स के साथ आएंगे, उन सारे लोगों के साथ आएंगे जो ऋषिकेश में ऋषिकेश का नाम रोशन कर रहे हैं, नॉट ओनली प्लेयर्स, वो किसी भी फील्ड में हो। दैट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका और सवाल था? मेरा सवाल यह है कि क्या इसको इक्विवेलेंट नहीं किया जाना चाहिए स्टडी के बराबर का दर्जा? बहुत बड़ा आपने इस प्रश्न उठाया, ये बिल्कुल जैसे हमारी क्रिकेट अकेडमीज खुली हुई हैं और अकेडमीज खुली हुई हैं, इनमें हमें कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू करने चाहिए, कुछ डिप्लोमा कोर्स हो, डिग्री कोर्स हो, मतलब इन्हें लेने के बाद केवल सरकारी नौकरी। आज आप यकीन माने जो लोग गेम्स में है भी, जो बच्चे गेम्स में है, मेरी उनसे कई बार बात होती है, तो उनका कहना ये है कि यार नेशनल कौन खेलेगा, अपना कोटे से नौकरी मिल जाए बस उतना खेलते हैं। तो केवल एक सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, आप भी इस तथ्य से अवगत हैं और यहाँ बैठे सब लोग इस तथ्य से अवगत हैं, तो हमें प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ, जैसे एक सरकार ने PIL स्कीम चलाई है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, जो ये स्कीम है कुछ गेम्स में भी अगर ये चलाई जाए कि कंपनियों को, जैसे CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ ऐसी चीज भी इंडक्ट करी जाए कि जो हमारे गेम से रिलेटेड राणा जी जैसे अभिभूति बैठी हैं, इन्हें भी कोई कंपनी हायर करे और CSR में इनका सैलरी हो। और ये और कुछ नहीं, अगर एक बात बताइए किसी प्राइवेट कंपनी में राणा जी जैसे मोटिवेटर हो और एक थोड़ा बॉडी वर्क वहां पर हो सके, तो जो हमारी डिजीजेज जितनी हो रही है आजकल, आज हम वर्ल्ड कैपिटल बने हुए हैं हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम्स की, BP, शुगर की, अगर राणा जी जैसे लोग उन संस्थाओं में होंगे और थोड़ा वर्कआउट करवाएंगे तो उससे वहाँ कर्मचारी वर्ग को बहुत लाभ मिलेगा और ये कहीं ना कहीं हमारी GDP में भी इंक्लूड करेगा और हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हमारे बीच में एक यंग तरह मैं चाहूंगा उनसे भी बात करना। आपका नाम क्या है सबसे पहले? सो मच सर फॉर गिविंग अ चांस। माय नेम इज संगम छेत्री। संगम छेत्री, आई एम रिसेंटली आई एम अ 12th ग्रेजुएट पर्सन फ्रॉम आरी पब्लिक स्कूल रायपुर। ओके ग्रेट। ओके सर, एज यू सेड दैट कि आजकल मतलब कि थोड़े बहुत ही गेम सामने आ रहे और नहीं आ रहे ज्यादातर, तो पहले तो मैं बोलना चाहूंगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड टू सोशल मीडिया, इफ यू सी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड एक्सेट्रा। तो देखा है हमने आजकल ट्रेंड में चल रहा है रील्स बहुत जी। और रील्स में रिसेंटली क्या हुआ, जैसे कि उन्होंने जैवलिन में जीता एक गोल्ड मेडल जी, तो वो रील्स में बहुत आया जी। और उनको फ्रेम मिल गया बहुत ज्यादा। ऐसी मतलब कि मोस्ट ऑफ दी जो हमारी जनरेशन कमिंग अपकमिंग जनरेशन, वो ये चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें कि जो हमें फ्रेम मिले, रील्स में हम छाए और लोगों के सामने हुए जी। और दूसरा आप कह रहे हैं कि मतलब कि इक्वेलिटी नहीं मिल रही है बहुत जगह, तो हम देखेंगे तो पहली बात तो ऑर्थोडॉक्स टाइप के बहुत पीपल है हमारे इंडिया में, जिनकी मतलब जो मेंटेलिटी है वो ऐसी है कि पढ़ोगे तभी कुछ करोगे, अगर खेलोगे तो नहीं करोगे। और दूसरा ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका एम होता है, वो खेलते हैं नेशनल लेवल खेलते हैं, स्टेट लेवल खेलते हैं, बट आगे बढ़ नहीं पाते जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन जी। आपको पता है करप्शन बहुत ज्यादा है। मैं भी अपने टाइम में था तो मैं भी स्टेट प्लेयर हूँ, आर्मी स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल से खेला हूँ, वहाँ पर बहुत सारी टीम आई थी हमने। आप कौन से गेम खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल तो हम बागपत गए थे और काशीपुर गया था मैम जी। तो सर जैसे इसमें बड़ा होते गया तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग होने लगी कि मेरी फैमिली इतनी वो है, मतलब कि लो पॉवर्टी लाइन एक तरह से बोलेंगे तो सर मिडिल क्लास बोलेंगे ना, वी आर नॉट रिच सो वी कांट अफोर्ड दैट प्राइस, जो मतलब कि एक नेशनल लेवल के बाद, नेशनल स्टेट लेवल खेलने के बाद जो मतलब आता है प्राइस आता है हम पे, जो बर्डन पड़ता है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी हैव टू जस्ट लीव दैट गेम। एक बड़ा सवाल यहाँ से उठा है गेम्स में आगे जाना, मेरे को लगता है राणा जी भी इस बात से सहमत होंगे कि गेम्स को अफोर्ड करना, उसकी अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा सवाल हो जाता है। किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, तो उसकी डाइट ही इतना महंगा घर वालों को पड़ता है कि वो हाथ खड़े करते हैं बेटा ऐसा है शाम को जितना खेल। आप सही कह रहे हो सर, एग्जैक्टली दीज आर दी ऑल दी प्राइजेस व्हिच आई हैव फेस्ड इन माय पास्ट टाइम। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर एक बच्चा नेशनल लेवल खेलता है सर और वो अगर सिक्योर करता है कुछ पोजीशन, तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक सम इनिशिएटिव टुवर्ड्स हिम सो दैट वो अफोर्ड कर पाए वो सारी चीजें, और तभी हमारे जो इंडिया से डायमंड्स उठेंगे। तो ओके ग्रेट।
एक बार जोरदार तालियां संगम के लिए। मुझे लगता है जितने बोल्डली उन्होंने इस बात को रखा है वो डिजर्व करते हैं इस चीज को। आपको लगता है कि खेलों को लेकर के हमारी सरकार जो है, हमारा सिस्टम जो है, वो पूरी तरह से उसका एक फेल्योर रहा है, पूरी तरह से सोया हुआ रहा है अभी तक? आप कोई इस पे कोई कमेंट आप कर... जी सर। रिसल जी नमस्कार। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारा जो देश है वो एक गुलामी से उभरा हुआ देश है। हम कई समय तक गुलाम रहे और एक मेंटेलिटी छूट गई है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे देश गुलाम रहे हैं, और भी देश हैं जो हमारी गुलामी के बाद आजाद हुए और उन्हें वो आज हमारे से बहुत आगे हैं। डिपेंड इस चीज पे करता है कि जो नेतृत्व क्षमता हमें उस समय मिली उसके अंदर गुलामी भरी पड़ी हुई थी, वो सोच इतनी निर्भीक नहीं थी ना वहां से। मतलब मैं ये मानता हूं कि जो हमें एक निर्भीक सोच चाहिए थी अपने लीडर्स के अंदर, वो हमें मिल नहीं पाई, वो समाज में रूपांतरित नहीं हो पाई। पहला तो ये है कि जो मुझे लगता है कि हम जो है, और जो कंट्रीज हैं जो हमारी हमारे साथ ही जिनको भी आजादी मिली थी वो हमसे कहीं आगे आ चुकी है। दूसरा, केवल हम ये मान ले कि हमारे पास जो है रिसोर्सिस की कमी के कारण या गवर्नमेंट की लैक ऑफ जो उनका जो कॉन्फिडेंस था उसके कारण या उन्होंने जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए उसके कारण हम नहीं बन पाए, तो मैं इसको पूरी तरह से सही नहीं मानता हूँ। कारण ये है, हमारे देश में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल पैदा हो चुके हैं, हमारे इतने अच्छे रोल मॉडल्स हैं जिनको भुलाकर अगर हम बातचीत को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे कि सिर्फ मेरे पास रिसोर्स नहीं थे, मेरे घर वाले गरीब, मतलब एक उदाहरण के लिए देखिए, ऐसा है कि 80% हमारे देश में रिसोर्सिस की कमियां भी है, 80% हम ये मान के चले कि हमारी मानसिक क्षमता भी हमारी कमजोर की जा रही है, चाहे आप उसको एजुकेशन सिस्टम, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट टीचर्स अपने स्कूल में जा करके सिर्फ सैलरी के लिए जा रहा है, वो बच्चों के अंदर क्या बीज बोएगा आप मुझे बताइए। दूसरी चीज है कि अगर हमारे यहाँ से मिल्खा सिंह हुए हैं, हमारे यहाँ से बहुत अच्छे, हमारे मतलब स्टेट, हमारा स्टेट देखो रणजी रिप्रेजेंट नहीं करता था क्रिकेट में, फिर भी हमारा एक लड़का निकल करके इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है, वो रिसोर्सिस की कमी उनके पास भी थी। तो मैं कह रहा हूँ हाँ, सरकार जिम्मेदार है, रही है, आगे भी एकदम से कुछ भी नया नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी हम अपनी एक इंडिविजुअल अप्रोच को ना सरकार, समझ रहे हैं मेरी बात, सरकार की वजह से हम अपनी इंडिविजुअल अप्रोच को इतना खराब ना करें, क्योंकि देखिए हमारी इंडिविजुअल अप्रोच अगर अच्छी रहेगी हम भी बदलाव ला सकते हैं, है ना। ठीक, थैंक यू सो मच सर। एक इसमें जी आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, उसके बाद सभी को मेरा नमस्कार जी। मैं आशुतोष जुगराण, मैं सिर्फ इस बात के लिए मैंने ये माइक लिया है कि भाई साहब ने अभी वो भी कहा है कि सरकारी टीचर सिर्फ सैलरी लेने जाते हैं। नहीं देखो, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात, मैंने 20% के लिए मैंने नहीं किया, हर फील्ड में 20% लोग बहुत अच्छे हैं, 80% के चक्कर में मेरा देश बर्बाद है। बिल्कुल सही बात है, अपवाद हर जगह है ना। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं वो कितनी विषम परिस्थितियों में हमारे इंटीरियर में रहते हैं, ये शायद आपको नहीं मालूम होगा। जहां वहां हफ्ते हफ्ते तक उनको पानी नहीं मिलता है, जहां लेडीजों को शौच करने के लिए जंगलों में दूर दूर जाना पड़ता है, ऐसे ऐसे स्कूल भी हैं सर। अच्छा, रही बात एक चीज और, जहां तक मैं एजुकेशन की शिक्षकों की बात करूंगा कि वो कुछ नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं, कई शिक्षक ऐसे भी हैं कि जो अपनी सैलरी को भी वही बच्चों में खत्म कर देते हैं, कई शिक्षक हैं ऐसे सर। और जो हमारे गढ़वाल के आज टेंडेंसी ये हो चुकी है कि हम अपने बच्चों को केवल प्राइमरी स्कूलों में या अच्छे ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनमें पढ़ाएं, न कि सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में देखो, सरकारी स्कूलों में जब बच्चे भेजते हैं ना गांव में कहीं भी, तो बच्चों को ऐसे भेज दिया जाता है, बस्ता दे दिया जाता है, जाओ बेटा वहीं खाना खाना और शाम को ही आना, उसके बाद में उसके बाद बोल दिया जाता है तुम घास लेके आ जा, तुम लकड़ी लेके आ जा, तू ये कर ले और तू वो कर ले। पढ़ाई की तरफ कोई माँ बाप कोई पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते, क्यों? जबकि गढ़वाल से ही उनके पेरेंट्स उन बच्चों को यहाँ लेकर के आएंगे, यहाँ लेकर के आएंगे तो वो उनके पीछे दिन रात ऐसे लगे रहते जैसे बस इन्होंने घोट के पिला देंगे यहाँ ला करके, वहां नहीं करते। क्यों? यहाँ क्योंकि प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे और यहाँ पैसा लग रहा है, उनका वहां पैसा नहीं लग रहा है, तो इसलिए ये जो फ्री जो चल रहा है ना, फ्री का सबसे ज्यादा रोल है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन
मतलब जो एजुकेशन के लिए हम लोग पे कर रहे हैं, जब वो कम पे करना होता है या उसमें थोड़ा सा हम लोग सस्ते में उसे ले लेते हैं, तो हम लोग खुद ही उसका वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि ये एक, जब हम प्राइवेट स्कूल्स में ज्यादा पैसे दे रहे होते हैं तो हम उसका वैल्यू भी समझ रहे होते हैं कि हाँ ये कुछ मिल रहा है और इसको इस तरह से लिया जाना चाहिए, होता है। अच्छा इसी बात सर, को सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी जी, आपने बोला कि जैसे एक चीज में जो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें आपने इक्विवेलेंसी की बात करी थी, तो गवर्नमेंट ने जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफी स्कोप दिया है, बट वो कॉलेज लेवल पे दिया है, स्कूल लेवल पे नहीं दिया है। एक और मैं, सर ने जैसे बोला कि जो इंटीरियर है वहां पर लोगों को प्रॉपर सॉस तो है नहीं, तो वो ग्राउंड के बारे में क्या सोचेंगे। इसके ऊपर मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया, हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्टर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, जो नेशनल स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, तो उनसे किसी ने पूछा कि स्कूलों में आप क्यों नहीं शुरू करते हैं, स्कूलों में आप इनिशिएटिव दें, ग्राउंड खोलें। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली जो स्कूल है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर उसमें आते हैं, वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में नहीं आते। तो आप इतना बड़ा ये देखिए कि वो स्कूल में इसलिए नहीं शुरू कर पा रहे क्योंकि वो कह रहे कि वो दूसरे डिपार्टमेंट का है, मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट का तो ग्राउंड है, जहां पर खोलूंगा मैं खोल दूंगा। तो यानी तब दो डिपार्टमेंट के बीच में इतना कोलैबोरेशन ही नहीं है इतने बड़े लेवल पे, तो छोटे छोटे लेवल पे वो क्या सोचेंगे। आपको लगता है कि ये जो कमी है, जो ये मतलब डाइवर्जन हो रखा कि ये काम यही करेगा, ये काम यही करेगा, मतलब एक कलेक्टिव होकर के एक काम नहीं जो ना करने की जो एक टेंडेंसी है, जो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है, ठीक है, तो आपको लगता है कि इज इट उसको उस लेवल पर तो ये दिक्कत दे रहा है कि क्या इसको सामाजिक लेवल पर ठीक किया जा सकता है, हमारे समाज के अंदर इसको सुधारा जा सकता है। क्योंकि देखिएगा वो काम ब्यूरोक्रेट का, ब्यूरोक्रेट ब्यूरोक्रेट क्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेसी रहेगी उसका सिस्टम एक रात में इंप्रूव करना या हमारी जीवटता पे उसके सिस्टम को बदल पाना, वो मतलब इतना आसान था, केक वॉक नहीं है, राइट। लेकिन हम अपने अंदर से या जनता अपने अंदर से उस बदलाव को किस तरह से इनिशिएट कर सकती है। एक चीज कहना चाहूंगा, जो सोशल लेवल पे जैसे सर ने, जो सर स्पोर्ट्समैन है, तो जो इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, तो एक प्रैक्टिकल इसका एस्पेक्ट ये है कि चाइना में मैं देख रहा था कि वहां के जो गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक में जीते हैं, उनको उनके बगल वाले अपॉइंटमेंट को नहीं पता था कि ये बगल वाला मेरा गोल्ड मेडलिस्ट जीत के आया हुआ है। मगर वहां पर क्या एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि जो स्पोर्ट्समैन है ना, उनका उनको इतना पे कर दिया जाता है कि वो उनको जरूरत नहीं पड़ती कोई मुझे पहचाने ना पहचाने, वो अपनी लग्जूरियस लाइफ जी पाते हैं, कहीं बाहर वेकेशन पे जाना होता है तो वो चले जाते हैं। जैसे हमारे माइंडसेट क्या है कि नीरज चोपड़ा अगर गोल्ड मेडल जीतेगा तो उसको कोई 50 करोड़ दे रहा है, कोई 100 करोड़ दे रहा है, और उसी के अंडर में एक नेशनल लेवल का जेवलिन प्लेयर वो 10,000 रुपए की डाइट के लिए बोल रहा है कि सर, उसने लेटर लिखा स्पोर्ट्स मिनिस्टर को हरियाणा के कि मुझे 10,000 रुपए अगर आप पर मंथ दे दें तो मैं भी ओलंपिक में ले जा सकता हूँ। मगर उसको 10,000 नहीं मिल रहे हैं, और एक बंदा ऊपर जीत गया उसको कोई 100 करोड़ दे रहा है, कोई 500 करोड़ दे रहा है, और नीचे वाले को 10,000 के लाले पड़े हैं। तो ये भी एक दिखावा है, ये एक बड़ा हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी है हमारे सोसाइटी का। सर जी जी जी, अरे ब्यूरोक्रेसी है, हमने ब्यूरोक्रेसी की बात करी यहाँ पे कि जो उनकी वो तो चलती रहेगी और हमारी गलती है। मैं ये बात यहाँ पे मैं सबसे कहना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी आज ऐसी कंडीशन में है, वो हमारी वजह से। मैं आपसे बात बहुत जेन्युइन बात है और बहुत एग्जांपल वाली बात है। कोई भी एक आदमी डीएम के ऑफिस जाता है, कैसे जाता है एक रिएक्शन बताइए आप, कैसे जाता है डीएम के, सर मेरा काम कर दीजिए, ऐसे हाथ जोड़ के जाता है। सबसे पहले तो हमें ये पद्धति खत्म करनी पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां बैठा हुआ है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर करके आया है, पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर करके आया है, तो पब्लिक सर्विस के लिए वो बैठा है वहां पे। सबसे पहले तो हम डीएम और एसडीएम और जितने भी ये पद अधिकारी हैं इनके पास हाथ जोड़ के ना जाएं। हम जो जाएं, हम अपना डेटा और हक के उससे जाएं। जितनी भी पॉलिसी सेंटर से आती है, स्टेट से आती है, उसको इंप्लीमेंट कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं, बाकी वहां ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, एक्शन ऑफिसर है स्टेट, उनके सामने हम हाथ जोड़ के क्यों जाते हैं कि आप हमारा काम कर दीजिए? हम अपने हक से जाएं कि हमारा काम कर दीजिए और उनसे लिखित में मांगे चीजें। कोर्ट बैठी है, सुप्रीम कोर्ट भी अकेले बैठ के काम नहीं कर सकती है, वहां से वो ऑर्डर पास कर देगी। आज आपको आर्टिकल 40 इक्वालिटी, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल राइट्स दिए, क्यों आपको सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली के दायरे के अंदर सुनाई देते हैं? आप जरा यूपी के इंटीरियर चले जाइए, वहां कौन इक्वालिटी मानता है? आज भी क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, ऊंच नीच का क्राइटेरिया में डिक्लेयर करते हैं। हम लोग थोड़ा सा इसमें कोशिश करेंगे, हम लोग सवाल तक ही थोड़ा नहीं नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी को इम्प्रूव करना है तो वो हमारे हाथ में जी, और अगर हमें अपनी चीजें चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, वो भी हमारे हाथ में है। तो मीन्स आपका कहना यह है कि हमें वो एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्यूरोक्रेसी
बदलना पड़ेगा जो अभी है, बिल्कुल है ना, हमें उनको अपसाइड वो ना करके ये जो सर टीचर लोग हैं, मैं इनसे भी बोलना चाहूंगा कि टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, महत्व रहता है, अवेयरनेस और एजुकेशन उनको ही क्रिएट करनी पड़ेगी। किसी को भी आप इतना बड़ा मत पोर्ट्रे कर दीजिए कि आप वो एक्सेसिबल ही नहीं है। आज की डेट में डेमोक्रेसी के अंदर हर कोई एक्सेसिबल है और आप सबके पास जा सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर जो मतलब की टीचर्स है, जो भी मतलब फीमेल टीचर्स मेल टीचर्स वो फॉरेस्ट में जा रहे हैं उसके लिए, तो सबसे पहले बात तो ये भी होता है कि वो भी इनिशिएटिव दे, क्योंकि उनपे भी पूरा हक है, उन स्कूल उनके अंडर आते हैं और उनपे पूरा मतलब कि हक है, वो कर सकते हैं जो भी स्टेप वो लेंगे। गवर्नमेंट कोई वो तो करेगा नहीं, रजिस्ट करेगा नहीं। मोर ओवर उनके पास इतना वो होगा कि मतलब कि स्टूडेंट्स को भी वो अपने साथ रख सकते हैं, बाई चांस अगर वो छोटा सा स्ट्राइक भी करेंगे तो वो भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी ना कि मिल जाएगी आगे से। और दूसरा सर की आई फॉरगेट दैट पॉइंट की कि मतलब पेरेंट्स बच्चों को भेज देते हैं स्कूल और सिर्फ क्या बोलते हैं उनको मतलब कोई भी वो नहीं कहते, पाथ नहीं दिखाते कि पढ़ो ऐसा। तो पहली बात तो पेरेंट्स जो है टीचर्स अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट हो रहे टीचर्स में, दे नो दैट टीचर्स विल डू एवरीथिंग टू द स्टूडेंट्स, दे विल शो देम राइट पाथ। सो हाउ कैन वी से दैट द पेरेंट्स आर नॉट डूइंग वेल फॉर देम, अगर वो उनके लिए अफोर्ड कर रहे हैं स्कूल तो इट इज अ बेटर थिंग। एंशियंट टाइम में देखेंगे तो पेरेंट्स नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तो वो कर रहे हैं, तो टीचर्स का भी इतना हक बनता है कि उनके बच्चों को थोड़ा राइट पाथ दिखाए इवन अगर पेरेंट्स आर नहीं कर सक रहे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। एक बार जोर बताने संगम के लिए। और इसमें एक चीज उन्होंने जो कही है कि एटलीस्ट जो आप एक सेल्फ अवेयरनेस है जो टीचर्स के लिए भी है कि अगर उनके स्कूल्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, तो वो अपने एंड पे भी उस चीज को आवाज उठाएं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम में रहे ये इससे ये इसका इम्प्रेशन डायरेक्ट उनके बच्चों पे पड़ेगा जिनको पढ़ाने जा रहे हैं, इसका इम्प्रेशन डायरेक्ट उन पे पड़ेगा जो फाइनल रिजल्ट फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है। तो लोग अगर इनिशिएट कर सकते हैं अपने एंड पे तो वो उनको उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगला एक सवाल, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर हम लोग गढ़वाल रीजन को देखें और स्पेशली अगर ऋषिकेश के आसपास जहाँ से लोग ज्यादातर लोग ऋषिकेश ट्रैवल कर पाते हैं, ऋषिकेश से जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं, मोस्टली अगर हम लोग टिहरी को देखें या पौड़ी को देखें, तो अमूमन हमारे गढ़वाल में या इस रीजन में ऋषिकेश पुरी अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी बात करें, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग या जिनको हम लोग आम भाषा में हम लोग शेफ कह देते हैं, जो हमारे भाई जो पाक कला में पारंगत हैं, पहले तो लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दोस्त जिन्होंने पूरे दुनिया के अंदर हमारा नाम रोशन किया हुआ है। उत्तराखंडी जितने भी शेफ लोग हैं हमारे, जो वन ऑफ द प्रीमियम क्वालिटी मानी जाती है शेफ्स के अंदर, उत्तराखंडी शेफ्स के लिए। लेकिन एक बड़ी समस्या उनके साथ निकल के ये आई है कि कोई भी एक ऐसा सिस्टम नहीं है, एक ऐसा सिंगल विंडो क्लियरेंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कि जहां पे वो जा करके, पहले तो कोई स्कूल नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो स्कूल है जो इंस्टीट्यूशन उनको इस पर्टिकुलर जो एक कला है, इस पर्टिकुलर जो एक आर्ट है, ये पर्टिकुलर जो स्किल है, इस स्किल के अंदर उनको आगे बढ़ाता हो। दूसरा इश्यू क्या है उसके साथ में कि दूसरा जो पॉइंट आउट इश्यू किया गया है कि अगर वो किसी तरह अपने जो भी उन्होंने डिग्रीज लिए हैं डिप्लोमा किए हैं तो उनके पास उनको पूरी दुनिया में भेजने के लिए जहां से वो जाकर के एक अच्छा अपने लिए आजीविका कमा सके, उसके लिए सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम नहीं है। ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम पूरी दुनिया में दुनिया को बता सकें कि अगर आपके अंदर आपके पास जॉब अवेलेबल है तो हमारे पास ये फला पोर्टल है, आप इस पोर्टल में अपनी रिक्वायरमेंट डालिए और हमारे शेफ यहाँ से आपको डायरेक्ट जुड़ सकते हैं आपके साथ और आप उन्हें नौकरी पर रख लीजिए या आप उन्हें रोजगार दीजिए। आपको क्या लगता है इसके इसका एक सिस्टम बनना चाहिए और होना चाहिए, तो उसकी रूपरेखा किस तरह से होनी चाहिए, इस बात पे कोई बात करेगा, कोई बात करना चाहेगा किस फील्ड से हो आप? ओके जी, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। जैसे आपने ये सवाल पूछा है कि हॉस्पिटलिटी के लिए हमारे पे क्या स्कोप रखना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत सोचना तो ये है कि उत्तराखंड में जितने प्रतिशत लोग डिफेंस में या आर्मी में निकलते उतने ही प्रतिशत लोग हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री यानी कि होटल लाइन में निकलते हैं। इसके लिए सरकार मेरे हिसाब से तो कुछ कर नहीं रही है। क्यों हमारे उत्तराखंड में केवल एक ही पूसा का इंस्टीट्यूट है, क्यों और नहीं है? जैसा आप टिहरी में जाओगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है होटल मैनेजमेंट का, बट यहाँ पे नहीं है।
आप अधिकतर बाहर जाओगे या यहाँ पे देखोगे बड़े बड़े होटल्स हैं, यहाँ पे जो भी एचओडीज के लेवल के हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लेवल्स के हैं, वो सभी बाहर के हैं। कोई कोलकाता का है, कोई बंगाल का है, कोई मतलब सब आउट ऑफ स्टेट के हैं। क्यों हमारे लोग नहीं कर पा रहे हैं? तो उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हमारे पे मिलते तो बहुत ज़्यादा शेफ हैं। हमारे उत्तराखंड में ही बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो किचन का बेस है वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड में आपको पूरे वर्ल्ड में हर जगह शेफ मिल जाएंगे, बट उन्हें एक वो नहीं मिल पा रहा है, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है उत्तराखंड की तरफ से कि जो उन्हें मिलना चाहिए नहीं कर पाता है। कोई गढ़वाल का है, वो 12th के बाद इतना महंगा कोर्स नहीं कर पाता कि 2-3 लाख खर्च कर सके। वो भी मुश्किल से 50,000 का डिप्लोमा लेके कैसे कैसे कर्ज लेके चला जाता है, बट डिप्लोमा में उसे आगे उतनी बड़ी पोस्ट नहीं मिलती जो उसे मिलनी चाहिए। तो इसका समाधान यही है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, यही है कि हमारी सरकार को। आपने कोर्स कहाँ से किया? मैंने IHM ऋषिकेश से। ओके, क्या रहा कोर्स के बाद, क्या एक उन लोगों का आपके लिए रोजगार तक पहुंचाने का क्या एक जरिया रहा, क्या रास्ता रहा? रोजगार तक तो उन्होंने पहुंचाया, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचाया। जो हमारी इंटर्नशिप थी, हमारी अप्रेंटिस थी, अच्छी थी, अच्छे होटल में थी। बट हमारे साथ वहाँ पे क्या होता था कि जो दूसरे इंस्टीट्यूट के होते थे उनकी इंटर्नशिप में एक स्टाइफंड होता है, स्टाइफंड का लेवल उनका हमसे ऊपर रहता था। अगर मान लो हमारा 1,000 है तो उनका 2,500 है, तो ये क्यों, ऐसा क्यों? हमें डिस्क्रिमिनेशन है उसके अंदर भी इसलिए। तो शायद जैसे आपको लगता है कि लाइक क्या सरकार की तरफ से ऐसा क्या हो सकता है? देखिएगा, एक बहुत बड़ा, मेरे को लगता है कि मैं कल ही इस पे R&D कर रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि टिहरी जिले के अंदर हम लोग लगभग 30,000 से 35,000 शेफ हमारे पास टिहरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक जिले के अंदर। मुझे लगता है उत्तराखंड एक बड़ा अमाउंट कवर करता है पूरा इस चीज को लेकर के। तो आप क्या चाहते हैं, क्या एक ऐसा सिस्टम आपको मिल पाए जिससे आपको लगता है कि ये बच्चे जो आज इस तरह के इंस्टीट्यूशन में है, जो इस तरह के करियर में जाना चाहते हैं, उनको राह मिल सके, उनको रास्ता मिल जाए कि मुझे ये करना है, इस तरह से ये होगा और फिर मैं आगे जा सकता हूँ? सबसे पहले तो इसे हमें सरकार को ही करना चाहिए। जैसे आप देखो देहरादून में GIHM है, वो एक ही क्यों है, दूसरा क्यों नहीं है? तो हर एक इतने बड़े क्षेत्र में एक GIHM होना सफिशियंट नहीं है मेरे मानने से, हर जगह होना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि डिप्लोमा या डिग्री से कुछ नहीं होगा, आगे मास्टर्स भी। क्यों होटल मैनेजमेंट वाला केवल BHM तक रुक जाता है, मास्टर्स तक क्यों नहीं पहुंच पाता? वो इसीलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसे एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, और बाहर के स्टूडेंट को वो गाइडेंस मिल जाती है। एक ये पॉइंट जो है, इसको ना हम लोग इस पे आगे भी चर्चा कर सकते हैं और इस पे बात करनी जरूरी है। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग उत्तराखंड के शेफ लोगों की बात कर रहे हैं, राइट? हम लोग उत्तराखंड से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट स्टाफ की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि वहाँ पे मैनेजर जो है वो उत्तराखंड से है। हम लोग जब हम लोग मैनेजमेंट स्टाफ की बात करते हैं या हायर अथॉरिटीज की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोग केरला से आ रहे हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोग कर्नाटका से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड के लोग कम है। जबकि जो रीढ़ की हड्डी है टूरिज्म की, आई थिंक इंडिया के अंदर उत्तराखंड उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है और हमारे शेफ उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो अभी इन्होंने पॉइंट बात कही है कि हमारे यहाँ ग्रेजुएशन कोर्सेस तो हैं लेकिन बच्चा उसको PG में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है, PG कोर्सेज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल सही। अरे गाइडेंस की कमी आपको लगती है? ओके, यहाँ पे एक सवाल और बनता है सर कि जब किसी ने डिप्लोमा कर लिया, लाइक आपने डिप्लोमा कर लिया, बहुत सारे जो शेफ हैं, मैं मोस्टली जब भी किसी से इंटरेक्ट करता हूँ तो आप कहाँ हैं, मैं UK में हूँ, आप कहाँ हैं, मैं कनाडा मैं हूँ। अच्छा, कोई आते हैं यहाँ तैयारियां करते हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन की, कहाँ के लिए तैयारी करें, न्यूजीलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। जब आप यहाँ से विदेश जाना चाहते हैं जहाँ पे आप एक अच्छी सैलरी या अच्छे आय के लिए आप माइग्रेट करने का सोचते हैं तो क्या दिक्कतें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि सरकार के तौर पर तो आसानी से सॉल्व हो सकती थी लेकिन अभी सरकार के इग्नोरेंस या और चीज़ों के इग्नोरेंस की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? यही है कि जैसा आपने बोला, लड़के एग्जाम निकाल देते हैं, बहुत से जैसे IELTS निकाल दिया उन्होंने, बट उसके बाद भी उन्हें एक शब्द बोलना पड़ता है, भाई जी हमारा जुगाड़ करवा दो बाहर जाके कहीं। तो जी, इतना भी उन्हें क्यों बोलना पड़ रहा है? ये कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। सरकार को एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसी चीज रोकनी चाहिए कि भैया ये हमारे भारत देश से आएंगे या ये हमारे उत्तराखंड से आएंगे। पोर्टल का जिक्र किया आपने अभी, पोर्टल क्या मतलब? जैसे मतलब एक ऐसी जगह, पर्टिकुलर जगह ऐसी रखनी चाहिए जहाँ पे उन्हें बोलना चाहिए कि भाई ये लोग हमारे एग्जाम क्लियर करके आएंगे, ये हमारे उत्तराखंड के लोग हैं तो इन्हें यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं एग्जाम के बाद भी घूम रहे हैं। आप Naukri.com या उससे रिलेटेड किसी उसकी बात कर रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग अगर जैसे Naukri.com में वो लोग नौकरी डाल देते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, थैंक यू, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। अगला सवाल, मैं अगले सवाल की तरफ आऊं। अगला सवाल हमारे पास
थोड़ा सा इसको एक बड़े डिस्कशन पर मैं इसको ले जाना चाहता हूं, और उस बड़े डिस्कशन के बाद हम लोग एक छोटी सी म्यूजिकल ट्रीट के लिए भी जाएंगे, और वो डिस्कशन इम्पोर्टेंट है और वो होना चाहिए। अभी अगर हम लोग संडे की बात करें, लगभग हर संडे या अमूमन हर 15 दिन के बाद कभी आप किसी स्कूल में बात करो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो गवर्नमेंट में टीचर हैं या स्कूलों में हैं, तमाम उनसे बात करो, यार संडे को मिलता है, आज नहीं आ सकता, क्यों? आज ना हमारे यहाँ किसी गवर्नमेंट जॉब का ना एक एग्जाम होना है स्कूल में, ड्यूटी लगी हुई है, और हम लोग महसूस करते हैं कि वो गवर्नमेंट की जब जॉब निकलती है और उसके लिए लोग पहुंचते हैं, तो उस जॉब के दौरान एग्जाम देने आने वाले लोगों में लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है, और कई बार जब लड़कियां ट्रैवल करती हैं तो अकेला ट्रैवल नहीं करती, उनके साथ या तो उनकी मदर आई है घर, जब पेरेंट्स कोई आया है, भाई आया, बहन आया, और स्पेशली अगर उनके साथ जो उनका गार्डियन है वो फीमेल है और वो लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पर उनको अगर एक दिन भी रुकना पड़ता है तो उनके लिए रुकना एक बड़ी समस्या हो जाती है। होटल में रुके वो दिक्कत है, फाइनेंशियली एक प्रॉब्लम है, वो बहुत सारी चीजें हैं, कहीं और रुकते हैं तो सिक्योरिटीज हैं और अदर इश्यूज भी हैं। आपको क्या लगता है शहर के अंदर हमारा एक भी गर्ल्स हॉस्टल नहीं है? क्या ये मुद्दा है आप लोगों के लिए? क्या ये सवाल है आप लोगों की तरफ से कि इस शहर के अंदर बहुत बड़ी और अर्जेंट जरूरत है एक गर्ल्स हॉस्टल की? मैं चाहूंगा आप में से भी कोई जवाब दे, फीमेल्स जो यहाँ पे हैं, कोई बात करना चाहेगा इस मुद्दे पे? यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल की सख्त जरूरत है, गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए। ओके, यू वांट टू? ओके सर, मुझे लगता है गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए क्योंकि बॉयज अपना मैनेजमेंट किसी भी तरीके से करते हैं, यार है, दोस्त हैं, बस गर्ल्स का ये होता है कि इनको सिक्योरिटी सबसे पहले चाहिए होती है जी, तो ये नीड होती है कि गर्ल्स हॉस्टल हो। मुझे, मेरे विचार ये हैं सर। आपको क्या लगता है कि लाइक अभी तक जो गवर्नमेंट है वो इस तरफ सोच क्यों नहीं रही है, सिस्टम इस तरफ क्यों नहीं सोच रहा है? सर, गवर्नमेंट सोचती क्या है, क्योंकि एक्चुअली गर्ल्स के साथ ही प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको सिक्योरिटी चाहिए, काफी सारी चीजें होती हैं सर, आपको पता ही है कि लड़कियों आए दिन कैसे केसेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटेलिटी ये रहती है कि बच्चे को अकेले नहीं भेजना है, लड़कियों को अकेले नहीं भेजना, वो साथ में जा रही है तो या तो दोस्तों को लेके जा रही है, किसी मेल को लेके जा रही है साथ में, तो ये होना चाहिए कि सर गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान दे कि मतलब हॉस्टल बना दिया। कुछ बात करना चाह रहे हैं, वो कुछ बोलना चाह रही हैं जी? आप अपना नाम बता दीजिएगा मैम। मेरा नाम ऋचा है। मैं एक बार फिर अनाउंस कर देता हूँ एक चीज को और दोबारा, कि हमारे कैमरे आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई जब आप में से कोई बोल रहा है, फीडबैक दे रहा है, अगर वो चाहे कि उसका चेहरा ना दिखे तो आप हमारे वॉलंटियर्स को बता दीजिएगा, हम सिर्फ ऑडियो रखेंगे, वीडियो वहां से हटा दिया जाएगा, वो आपको रिकॉर्ड में नहीं रखा है। ऐसा कुछ भी मानना नहीं, मतलब मैं फेमस होना चाहती हूँ। ओके ओके, फिर हम आपकी क्लिप वायरल जरूर करवाएंगे। ठीक है, ओके जी मैम, अपना आपका नाम? मेरा नाम ऋचा है। ऋचा जी, ऋचा, ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मेरा सिर्फ इतना मानना है कि ये लड़कियां लड़के इतना अलग अलग क्यों करना है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपन अगर जनरेट कर देंगे तो ऐसे लड़कियों के लिए अलग से हॉस्टल बनाने की जरूरत नहीं है, या लड़कियों के साथ में किसी को आने की जरूरत नहीं है। एक अगर सिक्योर माहौल होगा तो अलग से लड़कियां क्यों करना है यार? सिंपल रखो ना, सीधा सीधा रखो, लड़के भी ऐसे। लेकिन मैम आपको ये लग नहीं रहा कि हाइपोथेटिकली तो सही है, लेकिन एक्चुअल जब ग्राउंड पर आते हैं तो अभी हमारे लोगों को आई थिंक थोड़ा सा इस चीज को सीखने में वक्त लगेगा। सबका ना अपना अलग अलग है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं उससे उसी मैं आपको वो नहीं कर रहा हूं। हम लोग अकेले ट्रैवल करते हैं, अकेले ही आते हैं, मम्मी पापा में भी शायद थोड़े एजेड हैं तो वो नहीं आ पाते, या उनका ऐसा कोई है भी नहीं, क्योंकि हम उनको पता है कि हम मैनेज कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा ऐसे सेपरेट नहीं करना चाहिए कि लड़कियां हैं तो उनके लिए अलग से हॉस्टल बनाओ, लड़कों के लिए भी बना दो, क्योंकि उनको भी तो ऐसे थोड़ा रीजनेबल चाहिए होता है ना, लड़कों के लिए भी चाहिए, वो भी बेचारे दूर से ट्रैवल करके आते हैं, तो थोड़ा इक्वल रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। जी, थैंक यू सो मच ऋचा, आपने इस पॉइंट को रखा। एक आप लोगों के सवाल बहुत आए हैं मुझ तक, मुझे वो लंबे लंबे सवाल पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो कोई एक सॉन्ग जो आप लोग सुनना चाहते हो आज की शाम में, मैं तब तक मैं भी एक ब्रेक ले लेता हूँ म्यूजिक के दौरान, और मैं तब तक क्वेश्चन रीड कर लूँ।
कोई एक रिक्वेस्ट कोई आप लोग करना चाहें कहीं दूर जब दिन ढल जाए, कैन यू प्ले इट प्लीज? ओके जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ के दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए कोई मुझे पर समझ ना आए समझ ना आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए जोरदार तालियां इस बार एक बार हमारे बैंड के लिए एंड अभी हमारे बीच में उत्तराखंड से अभी जब हमारे पिछले साल की अगर मैं बात करूं पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई तो एक पुरस्कार म्यूजिक के मामले में भी हमारी झोली में गिरा पद्मश्री प्रीतम भरतवाण जी ठीक है एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। अब इसी चीज को लेकर के मेरा अगला सवाल है बहुत सारा अभी रिसेंट एक कार्यक्रम में मैं बात कर रहा था तो हमारे लोक कलाकारों को लेकर के बात हो रही थी जो हमारे पहाड़ से में खोती हुई हमारी जो लोक संस्कृति है उसके बारे में कलाकारों के बारे में उनको मंच दिए जाने के बारे में कि उनको मंच मिले उनको सम्मान मिले उनको उस जो भी वो काम कर रहे हैं उस काम के अंदर उनको इतना एटलीस्ट मेहनताना मिले कि वो लोग उस काम को लगातार कंटिन्यू कर पाएं। आप में से कितने लोग ऐसे इस चीज़ पर बात करना चाहते हैं कि हमारे जो कलाकार हैं उनके लिए एक सिस्टम बने कि जहाँ उनको लगातार उनकी वो अपनी कला को भी निखारते रहें उस पर भी काम करते रहें और उनको लगातार रिकॉग्निशन भी मिलता रहे ताकि ये चीज़ बाकी लोगों के लिए भी आगे बढ़ने का एक इंस्पिरेशन का काम करे और उसमें ओके लेट्स एक बार उनको माइक पकड़ा दीजिएगा सर। एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरा ही था जी। अपने हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर काफ़ी ऐसे सिंगर्स होते हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं रैपर सिंगर्स क्लासिकल म्यूजिक सब करते हैं बट सर उनको मंच नहीं प्रोवाइड होता है। मैं काजल नाम है सर काजल आपका नाम है मैं यहाँ पे ना किसी को बुलाना चाहता हूँ काजल जी जी बिल्कुल ठीक है अभी हमारे पास चलो आप प्रोग्राम के बाद एक बार मिल लीजिएगा हम आपसे इसके बारे में बात कर लेंगे एक बिल्कुल। हमारे पास भी एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप को थोड़ा बहुत अगर हम लोग सर, मैंने अभी कहा था आपसे थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में बात भी करी थी कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और ऑब्वियस कुछ अच्छा कर रहे हैं तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ आवर इंटरव्यूज जहाँ पे हम आपको हाँ सर बात ये होती है ना कि बहुत सारे सिंगर्स होते हैं बट सपोर्ट किसी एक बंदे को मिलता है जो टॉप में चला जाता है उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं सब कुछ होता है एक्चुअली उनकी रिलीज भी वो हो जाते हैं टीवी पे इंस्टाग्राम पे हर जगह रिलीज हो जाते हैं बट सर म्यूजिक एक कला होती है। मैं एक सीधे सवाल पाऊं आप गाती हैं? यस सर। ओके तो आपको अभी रिलीज करते हैं ना सर एक लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर
Why should we wait? क्यों वेट करें? आप अगर चाहे म्यूजिक अगर आपको कंपनी दे तो आप उनको बता सकते हैं अगर. तो मैं एक पहाड़ी गाना सुनाना चाहूंगी क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से हूँ, आप सब उत्तराखंड से ही हैं और मैं हरिद्वार में रहती हूँ. बेसिकली मैं हरिद्वार से आई हूँ तो मैं एक पहाड़ी गाना गाना चाहती हूँ आप सभी के बीच में. देना हो या खोली का गणेश है, देना हो या मोरी का नरण है, देना हो या खोली का गणेश है, देना हो या मोरी का नरण है, देना परफॉर्मेंस. मतलब ये मैंने भी इमेजिन नहीं किया था कि आज की शाम हमारी इस तरह भी हो जाएगी, है ना. ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज था. दैट्स
That's great, wonderful to have you here. और अब मैं थोड़ा सा मतलब अपने फायदे की बात करूं, तो आपका जो एक क्लिप है अभी हमारे जो स्क्रीन पे हमारा एक स्कैनर QR कोड रहेगा, आप उसे स्कैन कर सकते हैं हमारे चैनल का बालाजी लाइव टीवी का, और वहां पे आपका एक क्लिप अवेलेबल होगा, और हमारे फेसबुक पेजेस पे भी हम लोग इसको अपलोड कर देंगे, आप वहां से ले सकते हैं, वहां से शेयर कर सकते हैं. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वो आपका प्यार है हमारे लिए. चलिए जी, आज अब लौटते हैं फिर सवालों की तरफ. सवालों में वापस फ्रेम करते हैं एक उस सवाल को, जो सवाल हमारी मूलभूत समस्याओं से जुड़ा हुआ है. दोबारा वो सवाल जो उस नीति से जुड़ा हुआ है जिस नीति में स्वास्थ्य फ्रेम होता है, उस सवाल की जर्नी को, इस सवाल को कुछ इस तरह से फ्रेम करते हैं कि हमारे पास वो एक सिस्टम अभी तक यहां पर नहीं है कि जो स्ट्राइकिंग होती है किसी भी चीज की. अभी हम लोगों ने कोविड का वेव 1 देखा, कोविड का वेव 2 देखा, भगवान न करे कि ऐसा कुछ और इन फ्यूचर में देखना पड़े, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो अभी हम लोग अभी उस सिस्टम में नहीं आ पाए हैं, वो सिस्टम हमारे पास अभी जनरेट नहीं हुआ है कि हम लोग उतनी शिद्दत के साथ उस चीज के लिए प्रिपेयर हो पाए, और उस चीज को रोकने का या उस चीज से बचने का हमारे पास इतना कोई स्ट्रांग, या कोई सुझाव आप लोगों के पास हो किस तरह से उस चीज को हम लोग टैकल कर सकते हैं ताकि हमारी जो गतिविधियां हैं वो भी चालू रहें, हम लोग अपने काम धंधे भी बंद ना करें, और हम लोग उस चीज से भी बच पाए. कोई बात करना चाहेगा इस चीज के ऊपर? आप बात करना चाहेंगे? माइक वॉलंटियर से मैं कहूंगा, एक बार माइक वहां तक पहुंचाएं प्लीज. जी मैम, हेलो, हाय. आई डोंट नो व्हाट टू से, बट थोड़ा सा मुझे इतना पता है कि हाँ, कोविड में अगर थोड़ा सा उससे बचना है, बचना तो क्या मतलब, वो तो आएगी तो आएगी, आई डोंट नो इसका क्या हो सकता है, बट अगर हम जो भी अभी सोशल गैदरिंग वगैरह कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा उनमें प्रिकॉशंस ले लें, और अगर हम जाएं अपने मिलने वालों के पास जाएं, बट थोड़ा सा मास्क, मैं चाहूंगी आप थोड़ा मेरी तरफ प्लीज़, अगर जब मैं बोल रही हूँ तो प्लीज़ यू कैन पे योर अटेंशन. जी जी मैम, प्लीज़ काइंडली. जी मैम, तो बस इतना सा कर दीजिए कि जब लोग आपस में एक दूसरे से मिलें, अपने दोस्तों से या किसी से भी मिलने जाएं, तो मास्क का इस्तेमाल करें, जब क्योंकि फैलता इसी से है मुझे ऐसा लगता है, और आई डोंट नो. चलिए, एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए. एक और सवाल है जिसको यहाँ पे फ्रेम रखा गया है. सड़कें यहाँ पर जो हैं वो या तो छोटी हैं एज कंपेयर जो हमारी पॉपुलेशन का दबाव हमारे शहर के ऊपर है उसके अनुसार, या अगर उतनी हैं भी तो उसके ऊपर इंक्रोचमेंट जो है लोगों ने जो, या लोगों ने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पर्पजेस के लिए उसको घेर लिया है सड़क को, आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ इसमें कमी है या क्या इसमें हो रहा है? आप कुछ बात रखना चाहेंगे सर इस पर? मैं माइक दीजिएगा सर को प्लीज. मैं वॉलंटियर से कहूंगा माइक ना बहुत बड़ी जल्दी थोड़ा सा आप लोग पहुंचाइए. जी सर. हेलो. जी सर. सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, श्रीमान कनक धनई जी, और इस पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं भाई संजय सिलसवाल जी, और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आप सभी लोग जो यहाँ पर, ऋषिकेश की लगभग 5 लाख की आबादी की भीड़ में से जो लोग यहाँ पर आए हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि आप लोग जो है यहाँ पर आए हैं तो अवश्य कुछ न कुछ इस परिचर्चा से ग्रहण करके जाएंगे, और अपने क्षेत्र में जो है एक अलग तरह की अलख जगाने का कार्य करेंगे. साथियों, मैं पिछली बार भी जो है यहाँ पर पहुँचा था, उस दिन भी हमारा विषय जो है राज्य स्तर और फिर जो है नेशनल लेवल और विदेश तक चला गया था, और अभी थोड़ा लेट से पहुँचा, अभी भी जो है हमारा विषय वहीं पहुँच गया था राज्य लेवल पे, फिर इंटरनेशनल भी होने वाला था, अभी जो है मैं समझता हूँ विषय जो है जगह पर आ गया है. जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे लिखा भी है कि अपने शहर की चर्चा करनी है, और शहर को अच्छा, सपनों का शहर, सपने मतलब हम कोई भी हो
ये सपना देखते हैं कि हमारा शहर बहुत बेहतरीन होना चाहिए, हमारा घर, हमारा आस, हमारा पड़ोस, हमारे बीच में रहने वाले तमाम लोग सब सुखी हों, समृद्ध हों, स्वस्थ हों। अब यहां पर सड़कों की बात आई है तो सड़कों के विषय में ऐसा है जी, आप लोग सभी जानते हैं, कोई स्पेशल कहने के लिए तो खड़े हैं नहीं, हम लगभग जानते सब है, बस यह है कि कोई लोग कहीं कहीं जगहों पर बातचीत करते हुए कहते हैं तो कुछ लोग जो है ऐसे स्थानों पर सार्वजनिक जगह पर खड़े होकर बोल देते हैं। साथियों, सड़क का जो विषय है, ये जो तमाम हमारे विभाग सरकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे पानी का विभाग हो, चाहे बिजली का हो, चाहे सीवर का हो, चाहे सड़क का हो, ये सारे के सारे आपस में जो है मेलजोल नहीं बढ़ाते अपना, या फिर यूं कह लीजिए कि प्रशासन ने जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम में हम सही तरीके से कार्य करने के बजाय जब सिस्टम में पहुंच जाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि उस सिस्टम से हम जो कमाना कैसे आरंभ करें, और उस कमाई को ध्यान में रखते हुए जो है जगह जगह पर सड़कों का ये हाल हो जाता है कि आज सड़क नई बनती है तो अगले दिन जो है वहां पर पानी वाले पहुंच जाते, खुदाई कर देते हैं, अगले दिन किसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी को, एमएनसी कंपनी को जो है काम दे दिया जाता है कि आप जो है सड़कें खोदिए, अपनी लाइन बिछाइए, तार बिछाइए, आप जो है लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। और उसके अलावा जो है जैसे सिलसवाल जी ने कहा अभी कि यहां पर जो है सड़कें संकरी है, लोग जो है वहां पर आकर के अपना काम धंधा करते हैं या फिर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, तो ऋषिकेश शहर का जो ये मेन पॉइंट है, ये त्रिवेणी घाट से लेकर के ये सारा चंद्रभागा पुल तक मेन पॉइंट है, यहां पर बाजार है, इस बाजार में जो है यहां से अगर हम बद्रीनाथ की तरफ चले जाएंगे या उत्तरकाशी की तरफ चले जाइए, ये तमाम जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में जो है ऋषिकेश से ही जो है सामान सप्लाई होता है, ये सभी लोग जानते हैं, इसके कारण यहां पर भीड़ भी रहती है। और हम जितने भी ऋषिकेश के अंदर अगर पर्वतीय क्षेत्रों से निवास कर रहे हैं तो लगभग जो है इन्हीं बेल्ट से हम निवास करते हैं, तो हमारा आना जाना भी यहीं पर है। ऋषिकेश की खुद की आबादी अगर पूरा क्षेत्रफल विधानसभा का देखें तो 5 लाख करीब है जी। इसको हम लोग थोड़ा सा समअप उसमें करेंगे, हम लोग मेन जो इसका क्रक्स है एक्चुअली जो हमारे आंसर का, अगर यहाँ पे जो सड़कों का चौड़ीकरण है या जो मतलब इंक्रोचमेंट है उसको हटाने की पॉलिसीज क्या बनाई जा सकती हैं, या पार्किंग एक रिक्वायरमेंट है जो शहर के हमेशा से, उसी ओर जा रहा हूँ जी 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 हाँ, मैं इसी ओर ले आ रहा था सारा विषय, क्योंकि विषय थोड़ा सा ये संक्षिप्त में सिर्फ कहने और सुनने तक का विषय नहीं है ना, समझने तक का विषय है जी, इसलिए थोड़ा लंबा जा रहा था जी। अब रही जैसे पार्किंग की आपने बात कही, लोगों का आना यहाँ पर तय है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर क्या है कोई पॉलिसी नहीं बनी हुई, अभी इससे पहले HRDA था, सॉरी हरिद्वार विकास प्राधिकरण था, अभी जो है MDDA आ गया जी, दोनों डिपार्टमेंटों की सेम पॉलिसी है, क्योंकि काम करने वाले लगभग सेम है और सबके आपस में बनी हुई है कि किस प्रकार से काम करवाना है। इतनी बड़ी ये बिल्डिंग बनी हुई यहाँ पर थोड़ा मैं पार्किंग की व्यवस्था देख रहा हूँ, इसके अलावा तमाम शहर में चले जाइए आप, जितने बड़े होटल बन रखे हैं पार्किंग के नाम पर अब जो है बेसमेंट में जो खाना बनाया जाता है ऊपर सर्विस दी जाती है, ये व्यवस्था कर रखी है सबने, जबकि सबने जो है बेसमेंट क्या सोच के बनाया था कि हम यहाँ पर पार्किंग बनाएंगे, लेकिन लिखित कहीं नहीं है और ड्राइंग में है भी, तो हम जो है आम नागरिक है, हमें जाने का और कहने का अधिकार तो है नहीं। अब जो अब जिसकी लाठी उसका भैंस, या जिसका ढोल है जो जैसे मर्जी बजाए, सामने वाले पसंद आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो दूर चला जा, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और जो बाजार है, बाजार जो है हमेशा दुकान जो खोल के लगाई जाती है, आज से 40-50 साल पहले जो सड़कों की पैमाइश हो गई, दोनों तरफ जो है मकान बन चुके हैं, दुकानें बन चुकी हैं, इसमें हम जो है बदलाव नहीं कर सकते। आज जो है जैसे परसों ट्रांसपोर्ट नगर की बात आई थी, अगर सारा जो है आड़त का बाजार बाहरी बाहर चला जाए तो उससे जो है भीड़ कम हो सकती है। समाधान पे अगर हम लोग आए इसके जी, समाधान जी, एक तो ये ट्रांसपोर्ट नगर वाला आपने जो कहा कि बाहर हो जाए तो इससे बड़ा राहत मिलेगा, लेकिन जो इंक्रोचमेंट है इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग बात करें पार्किंग को लेकर के या और चीजों को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोग सामान के लिए नहीं आते हैं, ऋषिकेश सिर्फ सामान खरीदारी का मार्केट नहीं है, यहाँ पे टूरिस्ट है और भी अदर एक्टिविटीज मार्केट में लगातार हो रही हैं, उसके लिए लोग हैं, उस पर आने वाला जो दबाव है बिना पार्किंग के, वो एक बड़ा प्रेशर डालता है मार्केट के ऊपर। अभी एक फेस्टिवल आ जाए तो बजाय ये नहीं कि लोग खरीदारी के लिए आए हैं,
लोग आकर के भी कहीं भी गाड़ी खड़ी करके निकल जा रहे हैं हमारे पास से यहाँ से। तो क्या एक सिस्टम हमारे पास ऐसा हो कि हाँ हम इस कैपेसिटी में वाहनों को यहाँ पे रोक सकते हैं? अदरवाइज हमारे यहाँ जो इंटरसिटी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, आप कितने लोग ये चाहते हैं कि हम इंटरसिटी कनेक्टिविटी में बात करेंगे इस शहर के अंदर, चाहे बस चलनी हो ताकि लोग कम से कम टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेके निकलें, राइट? आप क्या कहना चाह रहे थे उसमें? एक मिनट में आपके पास दोबारा आता हूँ सर इस सवाल के बाद। मेरा इसमें सिलसवाल साहब ये मत था एक कि ट्रैफिक की समस्या देखिए हर देश में है, विकसित देश में भी। अगर आप लंदन चले जाएं, आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि आप लंदन की शहरों में अगर लंदन की गलियों में घूमते हैं ट्रैफिक की समस्या वहाँ भी है। सड़क का चौड़ीकरण कोई निदान नहीं है ट्रैफिक की समस्या का। हमें अपनी सार्वजनिक परिवहन सेवा इतनी सुदृढ़ करनी पड़ेगी कि मैक्सिमम लोग घर से जब निकले तो ये सोच के निकले कि मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा तो मुझे ज्यादा समय लगेगा, और मैं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूँ तो मुझे अच्छा वो होगा। और हमें कार पूलिंग की एक जो अवधारणा है उसे थोड़ा प्रोत्साहित करना पड़ेगा। एक हमें पार्किंग फैसिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी और पार्किंग पे हैविली टैक्स लगाना पड़ेगा। पार्किंग का अगर शुल्क ज्यादा होगा तभी लोग परिवहन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए अपनी गाड़ी लेके निकलना केवल ट्रैफिक की समस्या कोई उत्पन्न नहीं कर रहा है। हम अपना तेल जो है गल्फ कंट्री से आयात करते हैं, हमारा आयात बढ़ता है, फिस्कल डेफिसिट में ये योगदान देता है, तो ये किसी भी उससे अच्छा नहीं है कि हम अपनी गाड़ी लेके निकलें। हमारी सरकारों को एक तो सड़क और दूसरा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जो है उसे बेहतर बनाना होगा। दूसरी बात, आपने एनक्रोचमेंट ही कही थी, देखिए दुकानदार जो होते हैं एनक्रोच कर रहे हैं वो कोई चांद से उतर के तो आए नहीं है, वो हमारे बीच के ही हैं, हमारे समाज के ही हैं। अगर हम पब्लिक में, अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं और आप उसकी दुकान पर ना चढ़ें जिसने अतिक्रमण कर रखा है, तो अगले दिन वो खुद ही अपना सामान रखेगा। सब काम सरकार की तरफ देखना कि हर काम एंक्रोचमेंट भी सरकार हटाए, सार्वजनिक प्रणाली भी, परिवहन भी सरकार दे, अस्पताल भी सरकार दे, तो हम क्या करेंगे? ड्यूटीज भी होती हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। और जैसा पिछली बार आदरणीय कनक धनई जी ने भी कहा था कि हमें रेगुलेट करना है सरकार में बैठ के, सरकार सत्ता का काम है चीजों को धरातल पर रेगुलेट करना, ना कि उन्हें नियंत्रित करना जी। तो एक बस यही मेरा छोटा सा मत था, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार जी। आप कुछ और उसमें ऐड करना चाहते हो या? देखिए जैसा भाई साहब ने भी कहा, तो कहीं ना कहीं अगर पब्लिक सेक्टर में अगर सरकार या मान के चलिए कि कोई ट्रांसपोर्ट अगर बहुत ज्यादा हो जाता है संस्था के द्वारा भी, तो तभी लोग जो है अपनी गाड़ियां तो छोड़ेंगे नहीं। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक गाड़ी चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो आए दिन जो है परचेज की जा रही है, और हर आदमी जब एक लेवल पर पहुंचता है तो उसके बाद वो गाड़ी खरीदता है। तो इसमें मेन है व्यवस्था, और व्यवस्था जो है कहीं भी किसी भी स्तर पर चले जाइए आप, शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग जिनको हम जो है कुछ को प्रतिनिधि के तौर पर भेजते हैं और कुछ लोग IAS PCS तैयारी करके पहुंचते हैं, वे लोग ही यहां पर व्यवस्था बना सकते हैं। आप छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कोविड काल का, सरकार ने कहा आज बंद है तो बंद है, तो बंद ही रहा हो चाहे किसी प्रकार से रहो, तो कहीं ना कहीं अगर ये अपनी ड्यूटीज ढंग से निभाते हैं तो पब्लिक तो जो है सिर्फ हांका जा रहा है आज, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक रही बात कि जैसे भैया ने एक उदाहरण दिया कि आप जो है जो सामान बाहर निकला हुआ है तो आप दुकान में ना जाइए, तो ये जो है इसी चीज में परिवर्तन लाने के लिए बहुत एक लंबा चैनल चलेगा तब जाकर कहीं, वो भी हर किसी की एक मेंटलिटी तैयार होनी चाहिए। आज हमारी खुद की मेंटलिटी तैयार नहीं है किसी भी काम के लिए। दूसरा एक छोटा सा और चीज जोड़ना चाहूंगा कोविड से लेकर के, जैसे एक बहन यहाँ पर बैठी थी अभी, उन्होंने कहा मास्क या दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, ये हमारे देश में एक नारा निकला और उसके बाद जो है एक नारा ये बहुत अच्छा लग रहा था तो इसको जो है कानून में थोप दिया गया। आज आप देखिए चाहे शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो किस अधिकारी ने, चाहे वो जज को ले लीजिए, चाहे राष्ट्रपति को ले लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री को ले लीजिए, किसने दो गज की दूरी मेंटेन करी? दिखाने के लिए जरूर करी है, किसी ने दिखाने के लिए करी है, लेकिन क्या वास्तविक तौर में करा है? मास्क हमारे लिए एक ऐसा आभूषण बन गया आज, ऐसा यंत्र बन गया है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता आ गई है, क्या पॉसिबल है? कुछ नहीं है, ये एक अपवाद है। जैसे अपवाद एक शब्द आया था, तो अपवाद से जो है हमें बचना चाहिए और वास्तविक तौर पे जो कार्य होता है उन कार्यों को करना चाहिए। शासन प्रशासन जो है आज जो है जनता को बहुत बरगला रहा है, हर स्तर पे कदम कदम पर जो है जनता डगमगा कर चल रही है। विषय बहुत सारे हैं जी, जरूर संशोधन करने के लिए, ये एक डिस्कशन की जगह है तो डिस्कशन होना चाहिए बिल्कुल। बाकी सॉल्यूशन तो इन्हीं के पास है और सॉल्यूशन उन्होंने ही करना है, और हम पे बस ये है कि जैसे अभी 2022 हमारे पास आ रहा है, ठीक है जी, तो 2022 में जो है अगर हम अच्छे लोगों को वहां पे भेजेंगे, सच्चे लोगों को वहां पर भेजेंगे, तो
तो कहीं जाकर के जो है ये उत्तराखंड का भला हो सकता है, क्योंकि जो लोग इस मान्यता को लेते हैं कि उत्तराखंड, जैसे अभी पीछे किसी ने कहा कि भाई उत्तराखंड के लोग जो है, आज राष्ट्रीय पार्टी की एक बात आई, तो उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री है वो शुरू से उत्तराखंड की पैदाइश है, राज्यपाल को छोड़कर के उत्तराखंड जब भी कोई मुख्यमंत्री बना या 65 विधायक हमेशा जो है उत्तराखंड के मूल निवासी होते हैं। उसके बावजूद भी अगर उत्तराखंड की आवाज नहीं सुनी जा रही है या उत्तराखंड का विकास नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन विधायकों के अंदर जो है गंदगी है, कहीं ना कहीं जो है इन मंत्रियों के अंदर गंदगी है, मतलब और जो है ये ब्यूरोक्रेट्स है इनके आगे पीछे घूम रहे, खाली अच्छा मोटा पैसा कमा लिया और सारा का सारा जो है ठिकाने लगाने के लिए इनपे इनके अधीन रहते हैं, क्योंकि खुद का नहीं पता है कहाँ संभालेंगे। अभी सर ने जैसे एक बात बोली थी कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, कि सीवर लाइन बिछ रही है उसके ऊपर रोड बिछा दे रहे हैं, फिर उसको गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए दोबारा से तोड़ दे रहे हैं। ऐसा ही एक और चीज़ ये कि जैसे मेयर साहिबा विधायक से बात नहीं करती, विधायक हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हम रोड पे आ रहा हूं, नहीं नहीं हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम लोग किसी को ना पर्टिकुलर कमेंट नहीं करेंगे, मतलब मैं थोड़ा सा इस चीज के लिए माफी चाहूंगा, नहीं मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं पोस्ट पोस्ट जी 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 देख, मतलब एक बंदा एक नेता दूसरे से बात नहीं करता, दूसरे तीसरे से नहीं करता, तीसरे चौथे से नहीं करता। अब मान लो कि किसी एक ने मान लो मतलब विधायक निधि से किसी को रोड बिछानी है, उसने इलेक्शन आ रहे जल्दबाजी में रोड बिछा दी, अब नगर निगम में वहां का प्रस्ताव है कि वहां पर उसको सीवर लाइन बिछानी है, तो वो उसको 3 महीने बाद बिछानी है, उसको तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, तो विधायक जी ने जल्दी बिछा दी, अब वो 3 महीने के बाद नगर निगम वाले जाएंगे, वो उसको तोड़ेंगे, फिर वो सीवर लाइन बिछाएंगे, फिर किसी ठेकेदार को दोबारा से रोड का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, फिर वो तो एक तरीके से ये तो करप्शन का एक हब है, मतलब ये तो श्योर शॉट है कि वो लोग का एक मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है उसका कोई एक यूनिफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं दिया जा रहा है, और वो जानबूझ के ताकि ये लोग थोड़ा पेट वेट सही चलता रहे, घर बार चलता रहे, बार बार मतलब करप्शन मतलब हो उन लोगों पर भी पता है, मगर उनको पता है कि ये कहीं से तो ये कहीं करेगा ना, तो उन्होंने ये सिस्टम जानबूझ के बनाया हुआ है, एक रिकरिंग इनकम बनी रहे, ये करप्शन को एक तरीके से पोषित कर रहे हैं कि ये सही है चलता रहे। ओके, और दूसरा सर बस के लिए बोला, जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोला, तो मेरा ये भी मानना है कि ना इसको मतलब ऐसे नहीं कि आपने एक साथ 100 बस ऑर्डर कर दिया और हो गया, इसका एक प्रोसेस बनाया जाना चाहिए कि जैसे उत्तराखंड की जो नीड है वो इलेक्ट्रिक बस है, क्योंकि एक इको सेंसिटिव एरिया है तो इलेक्ट्रिक बस ऑर्डर करेंगे। फिर मैं देख रहा था कि किसी ने बोला कि हमने बस ऑर्डर कर देंगे मगर ड्राइवर के लिए फिर वैकेंसी के लिए वो दूसरा डिपार्टमेंट वैकेंसी नहीं निकालेगा तो हमारी बसें खराब हो जाएंगी, कई बसें पड़ी रहती हैं। और फिर जो उस वैकेंसी वाले से पूछा वो कहेगा हम परमानेंट क्यों निकाले, हमको सैलरी देनी पड़ेगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे। तो मतलब पूरा जो सिस्टम है ना उसमें कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई अपनी तरफ से काम कर रहा है, कोई अपनी तरफ से काम कर रहा है, आपस में ही बात नहीं करते हैं तो जनता से क्या बात करेंगे। चलेगा, थैंक यू सो मच आप सबके इनपुट के लिए। मैं अभी मैं इनवाइट करना चाहूँगा अब जो फाइनल क्वेश्चंस के साथ कनक जी को, और अब कोई सवाल अगर आप लोगों के हो तो आप लोग भी हाथ खड़ा कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के सवाल को भी यहाँ पे फ्रेम करें। कनक जी सबसे पहले वेलकम अगेन, एंड this is probably the last show we have this year, now we're going to meet next year, what are the expectations and resolutions for the next year, personal resolutions or political resolutions? mujhe lagta hai pehle personal agar hum log baat kar paye to zyada better hai, because for all I mean if you talk about personal resolutions I think waking up in the morning somewhere around 5 okay is the very first thing which I am planning to do. Second resolution is I think related to yoga. Okay. Somewhere we have, I mean personally I have made it many times, but you know the consistency and continuing it till the month of February is the priority that this, I mean this year we'll be doing it. Okay. So these two resolutions are on the personal checklist. 2022 knock kar raha hai. Yes. Bade ummeede hain logon ko, bade sawal the logon ke aaj yahan pe. Aur jo sabse bada sawal nikal ke aaya hai logon ka, shikayatein ya jiska samadhan log soch rahe hain ki ha iska samadhan kaise milna chahiye, is pe baat honi chahiye, unme se nikal ke aaya hai coordination departments ke andar coordination do
अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर काम में, और वो जो कमी है, जो खामी है, जो वैक्यूम है उसके बीच में, और या आप कह सकते हो कि वो एक तरह का उनका इग्नोरेंस ही है उसके अंदर, इग्नोरेंट हो रहे हैं एक दूसरे के काम को लेकर के. हाउ डू यू सी इट एंड व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द सॉल्यूशन, क्या एक समाधान होना चाहिए आपकी नज़र में इस चीज़ का? सी, पॉलिसी मेकिंग इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, एंड टू कन्फिगर कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स. आई थिंक वी आर सिटिंग इन ऋषिकेश एंड वी आर कंप्लेनिंग अबाउट इट, बट अल्टीमेटली दिस हैज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट. माफी चाहूंगा कनक जी, बीच में थोड़ा सा आपको, आपके साथ जब भी हम लोग बात करते हैं मोस्टली इंग्लिश यूज करते हैं, और मैं भूल जाता हूँ कि अभी हम लोग क्राउड में, तो हम लोग थोड़ा हिंदी में बात करेंगे. समन्वय की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है जी. और ये जो समन्वय है, हम लोग कितना भी बैठकर यहाँ पर चर्चा परिचर्चा कर लें जी, समन्वय वही व्यक्ति स्थापित कर सकता है जो पॉलिसी मेकर हो. और 2022, क्योंकि जो इससे पहले आपने सवाल पूछा, क्वेश्चन रिलेटेड टू दी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, वो भी इट इज अ पार्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन, बट इन दी एंड मुझे लगता है कि दोनों चीजों का जैसे ही हम लोग करते हैं, इसका जो रास्ता है समन्वय का, वो निकलता पॉलिसी मेकिंग से. और पॉलिसी मेकिंग का जो रास्ता है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है उत्तर प्रदेश के साथ, जिसमें 2022, 27, 2032, 2037, 2042, 2047, तो 2 और 7 का जो एक ऑर्डर है नंबर्स का, ये इलेक्शंस के ईयर हैं. और इन सालों में हम लोग परिवर्तन को भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद के साथ हम इन सालों को जीते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश की सीरत और सूरत इन सालों में बदलती है. बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग भी हो सकता है और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग भी हो सकता है जी. तो मुझे लगता है तीनों चीजें जो आपने सवाल पूछा, मैंने थोड़ा सा उसको 2022 से रिलेट किया, और जितनी भी समन्वय की बातें यहां से हुई, कहीं ना कहीं उसका रास्ता भी उस बॉडी से निकलता है, क्योंकि इन दी एंड जितने भी लोग यहां पर हैं, जितना भी गुस्सा होता है नेताओं पर जरूर निकलता है, अधिकारियों को कोई नहीं कहेगा या ब्यूरोक्रेसी को कोई भी ब्लेम नहीं करेगा, जितने भी लांछन, जितने भी आरोप, और कुछ हद तक सही भी होता है और गलत भी होता है, हम ये नहीं कह रहे कि शत प्रतिशत सही है, बट इस पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा अगर हम किसी को इग्नोर करते हैं, वो है ब्यूरोक्रेसी, वो है अधिकारी, वो है कर्मचारी, उसको इग्नोर करके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते. और इस भारत देश के जो दफ्तर हैं, जो विभाग हैं, वो उस धीमे से चल रहे दफ्तरों के अंदर से चलता है, जो पूरा भारत है वो ऑफिस ही चलाते हैं जी. तो मुझे लगता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन, और एक पर्सनल ओपिनियन भी है, मुझे लगता है जो तीन विंग है गवर्नमेंट के, बहुत ज्यादा बड़ी बात हम लोग इस छोटे से मंच में कर रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. मुझे लगता है एग्जीक्यूटिव के पास इतनी इतनी पावर आ चुकी है, इतनी पावर आ चुकी है कि जो और बॉडीज है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में भी नहीं है. आप इन दी एंड जो साइनिंग पावर है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना लीजिए, वो एग्जीक्यूटिव के पास है. जुडिशरी के पास हम अपनी मर्जी से जाते हैं, या सामने वाला अगर ले जाना चाहे आपको जुडिशरी पे, तब जाकर आप लोग जाते हैं. एग्जीक्यूटिव अर्थात जो शासन है, इतनी इतनी शक्तियां आज वहां पर आ चुकी हैं. आप और जो प्रदेश के जो नेता हैं, वो चाहकर भी उनके सामने विवश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग, उनकी जो फीडिंग होती है, जो उनकी ग्रूमिंग होती है, वो इस तरीके से होती है कि वो हां भी सबको कहेंगे और काम भी एक नहीं होगा. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर से लेकर जितने जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदार मुझे लगता है अधिकारी हैं. आज ये स्थिति है कि हम लोग अगर थाने और चौकी में भी जाएं, बिना नेताओं के नहीं जा पाते. एक भय का माहौल, एक डर का माहौल. आज मैं ऋषिकेश की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे समाज की बात करूंगा. आज नेताओं की जरूरत है, क्योंकि हमें अधिकारियों को चलाना है. आज अगर आपको तहसील में जाना है, डीएम एसडीएम के पास जाना है, आप लोग खुद से साहस नहीं करते हैं. आप लोग ढूंढते हैं कि कोई नेता आएगा, नेता के साथ हम लोग जाएंगे, तभी वो बुलाएगा. तो आज इतना मुझे लगता है कि एक पूरे, मैं पर्सनली ऋषिकेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे अक्रॉस दी सिटीज, अक्रॉस दी स्टेट की बात कर रहा हूं, अक्रॉस दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ जो स्टेट की है, उसकी मैं बात कर रहा हूं. और मुझे लगता है ये एक बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़ा चैलेंज है भारतीय सिस्टम को समझने के लिए. एक अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं जाऊं, और इसको मैं
मतलब इससे जोड़ूं इस वाली बात से कि जब हम लोग सिस्टम के अंदर होते हैं, अभी बहुत सारे सवाल आए थे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है उसके अंदर या अभी कुछ बच्चों ने शिकायत भी की थी कि करप्शन इतना है, फिर अगर आप खेल भी रहे हो तो उसके बाद प्रोसेस आपके पास ऐसा नहीं है कि उस खेल का यूटिलाइजेशन उनके लाइफ में किस तरह से हो, या उसको उन्होंने जो एसेट गेन किया है उस एसेट को प्रॉफिटेबल कन्वर्ट कर पाना, उसको ऐसा बना पाना कि उसका उसको कोई फायदा मिले। मान लो मैं गणित सीख रहा हूँ, तो या तो गणित मेरे काम आए या मैं वो गणित पढ़ा सकूँ, तो दो तरह से मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। खेल का इस्तेमाल निजी तौर पे तो है, लेकिन अगर उससे आजीविका की बात करूँ तो हमारा कोई सिस्टम ऐसा नहीं जो उसको इस तरह से बना रहा है। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, और क्या आप देखते हैं कि इसमें क्या परफॉर्मा होना चाहिए इसको ठीक करने का, इसको इम्प्रूव करने का? देखिए, खेल के लिए जो एक बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो होता है ग्राउंड। मुझे कोई एक ग्राउंड ऋषिकेश के अंदर बता दे जो उत्तराखंड सरकार का हो, भूल जाइए कि IDPL का है, भरत मंदिर का है, किसी पर्सनल स्कूल का है, एक गवर्नमेंट का ग्राउंड हमारे पास नहीं है। शुरुआत इसकी यहां से होती है, ये जेनेसिस है उस बात का। सेकेंडरी जो पॉलिसी की आपने बात करी, मैं कहीं पर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट जो हम स्पोर्ट्स में कर रहे हैं वो 0.7 पैसा है ऑल अक्रॉस द इंडिया। इतना बजट पूरा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का है। क्योंकि अब आप बताएं जहां पर, और इसी कंपैरिजन में अगर आप ऑस्ट्रेलिया चाइना को देख लें, वो लगभग वो 7 या 8 रुपए पर कैपिटा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन के ऊपर। मैं बहुत ज्यादा, हो सकता है फैक्ट्स ऊपर नीचे हो, क्योंकि बहुत पहले मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी थी। मैं आपको सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, आप लोगों के भी कोई सवाल होते हैं ना अभी तो आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए भी लाइक कोशिश करूंगा कि हम चाहेंगे जवाब दें। हेलो, हाय एवरीवन, सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस एंड आई एम लाइकिंग योर थॉट्स एंड द प्रॉब्लम्स दैट यू आर रेजिंग, राइट, आई एम कंप्लीटली अलाइनिंग विद इट, बट माय क्वेश्चन टू यू इज मोर अराउंड व्हाट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। वी ऑल नो लाइक these are the problem, these are the loopholes of our system, we are aware of it and we are all facing it in our everyday, right, but I want to know more about, like, let's say if you are going to become a leader, right, what would be your approach to solve these problems for us, and how will you take the stand so that I being an individual would not bear these kind of issues in my near future, right? So I just want to know your approach and your thoughts on it. Exactly on which issue? I have spoken about many things. Yeah, let's take one example of education system, right? In our current education system, the way we are getting taught about various subjects, right? After just completing 12th or anything, after that we come into the competition environment and then we got to know, oh, we have to read about reasoning, we have to read about physical education, or we have to read about something else. And when we just cross our 12th, we got to know, oh, we do not have any idea. But I should have taken bio because my interest was there. But I have taken maths, but I cannot clear this exam now. So this kind of career counseling, I feel, should have been provided to the students during our education itself, right? Yes. That's not there. Then I feel like some of the students, for example, I'm giving the example of my own brother. He was interested in games. He did not realize that until he completed his 12th. Now he is trying to enter into it, but it's a bit late. So how can we close these loopholes? That's just one example. See, the very first thing about the education thing, I have a very strong conviction related to education, and personally, personal inclination towards is only related to the... We are very much dedicated to bring and to change education policy and to include employability in our curriculum. The very first thing. Yes. Because initially what we are taught in this school, what we are taught in CBSE and ICSE is very different from the realistic market. When we enter after 12th, after intermediate, when we enter into realistic market, it is very, very, very different. And there's a humongous gap between the reality and what has been taught to us in the school days. So very first thing is, you know, changing our curriculum is the call of an hour. Right. The very first thing, when we talk of sports, I think for sports we need to realize it. I mean, it has to come from our families. It also should come from our school. But the only connotation and only approach toward
स्पोर्ट्स इन इंडिया इज वेरी नेगेटिव. घर में ही आई मीन व्हेन वी टॉक ऑफ स्पोर्ट्स एट यू नो फैमिलीज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट अवर पेरेंट्स से इज दैट देयर इज नो फ्यूचर इन स्पोर्ट्स द वेरी फर्स्ट अप्रोच. एंड आई थिंक द काइंड ऑफ एनवायरमेंट इट इज मेकिंग एंड द काइंड ऑफ साइकोलॉजी इट इज डेवलपिंग इन टू अ पर्सन्स माइंड has a very long term repercussions. Definitely. So I think this thing will come from family, this thing will come from culture, and this thing will come from social acceptability. Definitely. The education thing has a lot to do from the government side. Yeah. So I feel there are two different aspects, sports and its acceptability. So will come from families and from the culture. So when you say it can come from families and from cultures, right? It grows when we see examples. For example, in my family, I could achieve something because of my education, because of the support I got at the right time for my education, and because I could bring that change, and that's why my family is able to listen to me, right? So it means I became an example for my family, because of which people are listening to me, and even my family or my parents are more towards like whatever my siblings want to do, they want to push them for that, right? This change has came into my family because of my example. But in our society, right, we want more examples like that, then only that kind of change can come, right? See, government cannot assure personal achievements. It has to come within your thought, within your soul. How can I government can provide you environment to, it could be a conducive environment, it could be a very lethal environment. So that is the responsibility of government. In that conducive environment, it depends on a child. How does he takes it? How does she takes it? Do you think like counseling can be one of the approach to it? Like parents counseling as well as students counseling at the right time. Right. I agree to this. Right? Yeah. But are you expecting it from government side? I am expecting it to be a part of our curriculum. Like there the should counseling be counseling thing. Yeah. There should be 3-4 things in our education system. For example, whatever we are studying, we're fine. But on top of it, there should be another section which should talk about career counseling. Career counseling. That should start from, let's say, 8th or 9th class itself. That should be a very specific part of our curriculum. Second thing should be, we should always talk about mental health and the kind of problems, kind of environment students are coming from, right? One student might come from a very poor background versus one person might come from a very rich background. And both of them will not have a same mental response toward a problem, right? So I feel a mental cell or mental health cell should be there in a school. So like these are my approaches toward this problem. Like I feel like what I personally feel is the mental health issue comes up. It's not up, health. No. It's not health specifically, but it's counseling at the right time because mental we counseling. Are in a digital world and thoughts are changing drastically. See, it is just a phrase, and I think every family does it. Although they do not name it as a counseling, but I have personally felt it in my upbringing, in your upbringing. There are people in your family, there are members in your family who are there to guide you continuously. It is not under a formal framework of counseling, but it comes in our life. But I feel there are, but at that right time, if we are not getting it, we are not getting the right direction. In my life, I got my counseling throughout different people at the right time, and because of this, I could achieve a minimal thing in my life. But at the same time, I see my friends who could not get that direction, and because of them, they are suffering right now. So I feel like things are everywhere, but channelizing those things are mandatory, and I feel like some kind of structure and thought is required to bring up by some leader क्लैरिटी लोगों के दिमाग में जो सिस्टम मेकर्स हैं उनके दिमाग का ये क्लैरिटी नहीं था, या आपको क्या लगता है कि ये एक नई रिक्वायरमेंट है जो अभी जनरेट हुई है और इसको एड्रेस किया जाना इस समय जरूरी है? पास्ट में रिक्वायरमेंट इतनी वास्ट नहीं थी. नहीं, आई पर्सनली फील इट शुड बी देयर इन अ सिस्टम, बट टू किंडल द इनसाइट्स लाइट, आई थिंक दैट इज योर स्पिरिट, दैट इज योर सोल. इवन दो इफ वी अलाउ दिस सिस्टम इन अ करिकुलम ऑफ स्कूल, स्टिल देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स हु वोंट बी एबल टू मेक दैट मच.
It truly depends on the light that is within you and the person who has kindled it. No, this, I feel like a lot can be brought because of this. A lot can be brought. Like, I know many people... What do you think that... If he comes in a position to do that thing, what would be a single line statement? What would be a single line suggestion from your side? Okay, being a youth, being a like a youth who has seen many ups and downs and went through those all like roller coasters. So, what do you think that what would be your one line suggestion to him that is the demand of the time now? I would say my suggestion to you would be always work with the youth, make a cell of youth, ask them to go to the ground, try to understand the problem at the ground at that time. There should be one cell who would be working on the problem specifically, and then you should address those problems by finding out the right tools available at that time. And there should be a team specific to it. You should create a cell or anything, but it should belong to any small area of any place. Are you willing to join it? I will definitely. Even if let's give a big hand. Our team will get in touch with you and will definitely work on this idea. ये एक मौके होते हैं जब हम चाहते हैं कि youth निकल के आए और बात करे और like उसके कुछ results भी निकले उन बातों के. We need more energies like you in Rishikesh. Thank you. Because like I feel like throughout many directions, I just talked about education, right? There are anything, like about women also, I have faced many things, many differences, many I would different. Say. Ek, so, there is, are things... Sorry to interrupt you. Ek question abhi isse related bhi aaya tha. Is, kisi ne question pucha tha ki, there is a need of girls hostel in Rishikesh. Bahut sare ladkiyan jo hoti hain, exam dene Rishikesh pahunchti hain. और वन डे एग्जाम है टू डे एग्जाम मतलब उनको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लेंथ के एग्जामिनेशन है जिनके लिए कई बार उनको ऋषिकेश स्टे करना पड़ता है. एक ऐसा हॉस्टल या एक ऐसा स्पेस नहीं है जो इस चीज़ को इंश्योर करता हो. व्हाट डू यू थिंक लाइक हाउ दिस नीड हाउ डू यू सी दिस नीड और इसके अच्छा आइडिया है बट मुझे ऐसा लगता है कि ऋषिकेश का जो यूएसपी है वो टूरिज्म ज्यादा है जी. और एग्जाम्स देने से ज्यादा यहाँ पर जो लोग आते हैं यू विल फाइंड मोर ऑफ अ टूरिस्ट हियर देन अ एस्पिरेंट इफ यू कंपेयर इट. बिल्कुल जरूरी है उससे ज्यादा मुझे लगता है जो क्योंकि जो पूरा हॉस्टल का मॉडल है दिस इज फॉर ऑल द पीपल हु विल बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सिटीज बट व्हाट डू वी हैव फॉर आवर वुमेन्स इन ऋषिकेश. मुझे थोड़ा सा इससे ज्यादा जो प्रायोरिटी इफ यू आस्क मी पर्सनली व्हाट इज देयर ऑन द टॉप लिस्ट ऑफ आई मीन ऑन माय टॉप प्रायोरिटी लिस्ट तो आई वुड से कि वुमेन्स पॉलिटेक्निक शुड बी देयर वुमेन कॉलेज शुड बी देयर वुमेन पैरामेडिकल कॉलेज शुड बी देयर रादर देन अ हॉस्टल. हॉस्टल होना चाहिए हॉस्टल शुड बी देयर बट जो एग्जाम्स देने के लिए आ रहे हैं घूमने वालों के लिए क्या हॉस्टल हम बनाएंगे. बट आई थिंक like Sanjay sir to your question to your specific need right I think we always have demand we always have supply it's just like we need to connect them right. True. So for example you said like there should be a hostel right but at the same time we might have various public buildings available to us and for a day like we all already know like on this day this exam is going to happen why can't we allocate that building to those aspirants like there should be some kind of framework like that so that we do not need to like do something specifically for the demand but whatever existing we have we can leverage that but who will take this ownership and who will do that. True. Rather than creating a new infrastructure than, yes. it is feasible to set up a bridge between the existing infrastructure definitely. And the existing demand. Yes. So this is what you're saying. This is what I'm saying. This is what I'm saying as a solution. As a solution to this problem but what Sanjay sir has said. How is my question next to it? Okay. Ispe उनका एक सुझाव है आपके लिए और एक एक सवाल इधर से भी अभी आ रहा था माइक. असल में मैं जो है सवाल नहीं सुझाव दे रहा था. जी जी जी. जो आपने बात की अभी महिला छात्रावास की जी तो ये जो है छोटे समय के लिए चाहिए ठीक है उसकी उपयोगिता भी नहीं है उतनी जी. और फिर कितने लेवल में किस परीक्षा को देने कितने विद्यार्थी आ रहे हैं
तो अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ तो बड़े बड़े आश्रम है और स्कूल के अंदर भी व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि एक दिन की व्यवस्था करनी है अगर प्रशासन चाहे जी। और अगर ऐसी कहीं पर नीड पड़ रही है, आवश्यकता पड़ रही है इस चीज की, तो किया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको ये कह रहे हैं कि लाइक इसको इंस्टेड ऑफ कि हम लोग किसी बिल्डिंग या किसी जी, जैसे आपने देखा होगा खेल खेलने के लिए बहुत सी लड़कियां आती है जी, अगर नेशनल लेवल में या स्टेट लेवल में आप खेल कराते हैं कहीं स्कूल में करवा दीजिए जी, तो उनके लिए जो है आश्रम जो है ले लिए जाते हैं जी, इस प्रकार से जी, तो कोई ना कोई वहां पे व्यवस्था बन जाती है जी, तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर व्यवस्था बनाएंगे तो कितने लोगों के लिए बनाएंगे, और करोड़ों रुपए का खर्चा होना है और जमीन तो यहाँ वैसी नहीं मिल रही। एक यही खूबी है इस चर्चा की कि कहां हम लोग एक सवाल पे 10 मिनट पहले ये होते हैं कि हाँ इसके लिए बजट अलॉट होना चाहिए, बनना चाहिए, और कहां दूसरी तरह से हमारे पास सॉल्यूशन इस तरह का भी होता है कि इसकी शायद बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर हम सिर्फ व्यवस्थाओं पे ध्यान दें और अरेंजमेंट्स को थोड़ा सा बेटर कर लें तो शायद ये चीजें आसानी से सॉर्ट आउट की जा सकती है। थोड़ा सा मैं एक और चीज कहना चाहूंगा जी, जैसे अभी बहन जो है अभी बातचीत कर रही थी जी, तो जितनी इन्होंने बातें रखी वैसे तो ये बात जो है किसी जीते हुए प्रत्याशी से या फिर जो है जो इस समय वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी है या फिर हमारे जो है जीते हुए नेता है जी, उनसे बात करनी चाहिए थी इस बारे में जी, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ये सोए हुए ऋषिकेश को जगाने के लिए जो है कनक ने एक बहुत अच्छा प्रयास करा है, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को कह रहा हूँ, ठीक है जी, और यहाँ पर जो है ये एक इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है यहाँ पर, आप थोड़ा सा इसमें विचार कीजिए कि अगर यहाँ पर ऋषिकेश के कई लोगों ने इसको देखा प्रोग्राम को, इनके बालाजी टीवी से के आधार पर भी देख रहा है, आप लोगों के आधार पर हम भी जो है यहाँ से फोटोएं खींच रहे हैं, बहुत से लोग और डाल रहे हैं, बावजूद उसके ऋषिकेश के युवाओं की ये स्थिति है, यहाँ कुर्सियां खाली पड़ी हुई, अभी आप यहाँ पर जो है कोई वैसा प्रोग्राम कर दीजिए, डांस का प्रोग्राम करवा देना, मैं कहता हूँ अभी करवा दीजिए 31 तारीख को, आपको जो है कुर्सियां टूटी हुई नजर आएगी, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ रहा होगा, तो स्थिति को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे सोए हुए लोगों को जगाने का प्रयास हो रहा है, यहाँ पर हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है हम किसी हल तक नहीं जाएंगे, लेकिन जितनी भी चर्चाएं यहाँ पर हुई है वो चर्चा कहीं ना कहीं इफेक्ट लाएगी, यहाँ पर 100 लोगों ने सुना है, कई सारे लोग यहाँ चाय पीने आ रहे, कई बाहर जा रहे, कई 2-4 बुजुर्ग यहाँ पे आकर रुके, उनने सुना 2 मिनट, तो कुछ ना कुछ एक परिवर्तन एक बड़ा ऋषिकेश के अंदर होने जा रहा है, और इस परिवर्तन के हम सब हिस्सा बन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और जैसे इन्होंने बताया अभी कि हम जो है आपके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर एक थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ, किसी भी बात में किसी मंच पर खड़ा होकर के या किसी एक परिस्थिति वश जो है मतलब भावनात्मक होकर के हम कह सकते हैं कि हम इस कार्य को करेंगे, लेकिन उस कार्य को करने में जितनी कठिनाइयां आती है ना, शायद मैंने अपने जीवन में बहुत एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है जी, एक गौ सेवा करते हैं हम छोटी सी, एक जरा सा आपका समय ले रहा हूँ, चोट लगी हुई गायें निराश्रित, चोटिल घायल एक्सीडेंटल गायें जो ऋषिकेश शहर के अंदर किसी भी क्षेत्र में, ऋषिकेश तो क्या हमने तो जो ये शिवपुरी से आगे 33 किलोमीटर दूर कौड़ियाला क्षेत्र पड़ता है, वहां से गायें लेकर के मंगाई है अपने क्षेत्र में, और ये हरिद्वार के जो अपना क्षेत्र खत्म होने के बाद भी हरिद्वार से भी गायें हमारे पास आई है, मौनी बाबा धर्मास गौसेवा ट्रस्ट के नाम पर हम जो है शिवाजी नगर पे गौशाला चलाते हैं, तो हमने जब उस कार्य को स्टार्ट करा और आज हमारे साथ कोई भी नहीं है, मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ, आज कोई भी नहीं है हमारे साथ, मैं हूँ और एक स्वामी जी है, और कुछ लोग हमारे साथ 10-12 लोग जुड़े हुए जो थोड़ा बहुत दाना पानी देते हैं उन गायों के लिए, आज हमें जो है डिपेंडेंसी रहती है कि हम कैसे उनका इलाज करें, सरकारी डॉक्टर एक छोटी सी दवाई दे देता है, कहता है इसी को लगा लो बहुत है, तो समझने का प्रयास कीजिए, बहुत करोड़ों रुपए की दवाई इधर उधर हो रही है, यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, ये बहुत अच्छा डिस्कशन है और एक पहल हुई है सबसे बड़ी, और मैं एक चीज और देखना, आप देखिए सोशल मीडिया में जो जुड़े होंगे अन्य नेताओं से शहर के अन्य नेता भी डिस्कशन करने घुस गए हैं, सबसे बड़ी चीज ये है, ये निकल के आई है सबसे बड़ी चीज, मैं मतलब ये चीज देख रहा हूं कि एक कुछ बदलाव तो हुआ, परिणाम किसका क्या होता है वो एक भविष्य तय करेगा, लेकिन एक ऋषिकेश शहर के अंदर एक परिवर्तन आ रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है, सारे नेता घुस रहे आकर घर घर, बताइए आप बताइए हम आपके आधार पर मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, आप बताइए क्या हो रहा है, तो अब और दूसरा मैं एक प्रश्न यहाँ पे एक प्रश्न भी खड़ा हो रहा है साथ के साथ कि चलिए कनक तो जो है कह दे 2-4 साल से ठीक है, कुछ लोग 15-20 साल से 50 साल से जो है इस शहर के अंदर रह रहे हैं और अब जाके पूछने जा रहे हैं कि आपकी समस्या क्या है, हम मैनिफेस्टो में क्या डालें, मुझे बड़ा मतलब एक आश्चर्य हो रहा है, मैं लाइव देख रहा था उन लोगों कई सारे लोगों के देख रहा था, ठीक है, उनके कमेंट पढ़ता हूँ और ऐसी हमारे मीडिया वाले भी पता नहीं क्या क्या भेज रहे हैं, तो मेरा कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर के यह है कि ये डिस्कशन का विषय और एक बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है, और जितने भी यहाँ पर मेरे भाई ऊपर भी
जो चाय पीने का आनंद लेने आ रखे हैं, और वो लोग अगर इस बात को सुन भी रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो कहीं ना कहीं एक ऋषिकेश में बहुत अच्छा बदलाव आएगा, टूरिस्ट के आधार पर भी और लड़कियों की सुरक्षा के आधार पर भी। हालांकि हमारा शहर इतना बेकार हुआ नहीं है अभी, लेकिन फिर भी हर प्रकार से, और सुरक्षा की बात आती है, मैं तो खुद मतलब इसके विरोध में रहता हूँ कि भाई लड़का लड़की क्या होता है, विरोध क्यों करनी भाई। जबरदस्ती का कंपैरिजन, जहाँ कंपैरिजन आ जाती है ना वहाँ पर अपने आप विरोधाभास शुरू हो जाता है, इसलिए कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सब हमारी बहनें हैं और सब चीज़ है, और सबको जो है सुखी और स्वस्थ रहने का अधिकार है, और सब कुछ हो रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देखी जी। आपने जो ये बात रखी, एक तो मैं आप जो कह रहे थे कि पिछले 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं, 15 सालों से अभी प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, सर बड़ी मुश्किल से हम लोग कोविड से बाहर आए हैं, बड़ा फ्रस्ट्रेशन का दौर रहा, ये चुटकुले हैं, आनंद लीजिए। ठीक है संजय जी, मेरा एक सवाल है जी, और ये कॉमन आदमी का सवाल है, बहुत ही आम सा सवाल है और बहुत ही सुंदर सवाल है जी, ये मुझे किसी ने दिया है। सेवा में श्रीमान, आपसे निवेदन है कि मेरा घर विधानसभा ऋषिकेश और टहरी विधानसभा के बीच में आता है, पर सुनवाई किसी विधानसभा में नहीं होती। सड़क समस्या है और बहुत ही गहरी समस्या है, क्योंकि हमारे घरों में दिक्कतें आई हुई हैं, तो आप, मैं अपनी सुनवाई लेके किसके पास जाऊं, टहरी विधानसभा में जाऊं कि ऋषिकेश विधानसभा में जाऊं? परिसीमन एक बड़ी नाम क्या है, अनोनिमस है तो हम एड्रेस नहीं, अनोनिमस नहीं है, वो यहाँ के गार्ड का ही है, जो हमारे यहाँ के गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, वो जिस क्षेत्र में आते वहां जाएंगे, वो कह रहे हैं हमारा बॉर्डर पे आता है, कोई तो एरिया होगा, वो तो डालते होंगे, हाँ। कहीं तो किसी के तो पार्ट होंगे, तो मुझे लगता है वो समस्या क्या है स्पेसिफिक उसमें बात करें। इसको थोड़ा रिफ्रेम करते हैं कनक जी, इसको परिसीमन, आपको लगता है कि अभी भी ऋषिकेश जो है वो परिसीमन के पछड़ों में बड़ा फंसा हुआ है, चाहे उसको नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम सभा का परिसीमन देख लें। देखिए परिसीमन को लेकर अगर मैं बात करूं, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं शायद सहमत होंगे, इसी ऋषिकेश जो कि एक ड्राई सिटी कह लीजिए, और नटराज के आगे जो नगर निगम का तो हिस्सा है पर वहां पर शराब परोसी जाती है, तो परिसीमन में तो एक बड़ा सवाल है, जरूर है। उसी नटराज के आगे में मांस और मच्छी भी परोसी जाती है, तो मुझे लगता है परिसीमन और उसकी क्रेडिबिलिटी पर तो एक बहुत ही बड़ा सवाल है। जब वो नगर निगम क्षेत्र में आता है तो, और नगर निगम क्षेत्र में आने के बाद, ये ड्राई सिटी होने के बाद, इसके एक कोने पे तो सारी चीजें परोसी जाती है और दूसरे कोने पे परमेश्वर का जाप रागा जाता है, तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत ही बड़ी हिपोक्रेसी है, बहुत बड़ा कंट्रास्ट है, जो बातें हम कह रहे हैं और उसको हम असल में कितना एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल भी है इसको। शायद जो परिसीमन की बात आपने करी उसका पॉलिटिकल तो नहीं बट सेवाओं को लेकर। हेलो जी, एक आम आदमी के सवालों की बात चली है, तो एक कॉमन सा सवाल अभी जो है, सपोज यू गेट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इन्फ्लेशन, अभी जो रेट चल रहा है, क्या इसमें आपको लगता है कि ये आम आदमी का सवाल यह है कि सिलेंडर, आप बताते रहे सिलेंडर कम कब होगा? देखिए फिर से, अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, बहुत ज्यादा स्टेट का रोल नहीं है, बहुत ज्यादा एक पार्ट भी अगर आप बन गए, आप बहुत बड़े पुर्जे के एक छोटे सा हिस्सा हो पार्ट बनने के बाद भी, मुझे लगता है महंगाई किसी विधानसभा के मैनिफेस्टो में, किसी नगर निगम के मैनिफेस्टो में, किसी पंचायत और पालिका के मैनिफेस्टो में बहुत ज्यादा उनकी गुंजाइश से वो बाहर है, तो महंगाई के लिए तो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। सब्सिडी जो स्टेट लेवल पे हो सकती है 5-7-10 रुपए, वो भी तब जब आप उस स्थिति में हैं कि आप स्टेट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन को लेकर तो बहुत ज्यादा। आखिरी दो सवाल, क्योंकि उसके बाद हमारे पास हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट है, डिमरी जी हैं, जो लोग गायन को लेकर के काफी प्रयासरत हैं, मैं चाहूंगा एक बार उनको भी आज की शाम हम लोग सुने, उनको भी एक मंच हमारी ओर से मिल पाए। आखिरी दो सवाल ले रहे हैं, एक हाँ आप कुछ पूछ रहे हैं। यस सर, जैसे कि सर लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, तो जूरिस्प्रूडेंस में एक बहुत फेमस जूरिस्ट है कोपेनहेन, उनका एक
इसमें इस पर्टिकुलर की इसकी क्या जरूरत है, जो डिस्कशन की क्या जरूरत है उसके ऊपर कहना चाहूंगा कि उन्होंने उनसे किसी ने पूछा था कि लोकतंत्र का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों होना चाहिए लोकतंत्र, राजतंत्र भी तो हो सकता है, लोकतंत्र ही क्यों होना चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि लोकतंत्र का एक ऑब्जेक्टिव है कि ये जनता को अगर सही क्वेश्चन पूछना सिखा दे तो लोकतंत्र का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। तो इसका जो हमें फायदा ये होगा कि हम सही क्वेश्चन पूछना जान लेंगे, आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही क्वेश्चन पूछना, अगर सही क्वेश्चन पूछ पाएंगे तो ही सही। और दूसरा सर मैं मतलब ये आपसे बोलना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, कुछ तो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे जो पूछना चाहिए वो भी आपसे अपेक्षाएं कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी सेइंग है कि इंसान के मर जाने से बुरा है अपेक्षाओं का मर जाना। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपसे इतनी अपेक्षा, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है कि क्या एक ज्यूरिडिक्शन क्या होती है किसी की, तो कई लोग आपसे कई ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो आपके एकदम स्कोप के बाहर होगी। तो आपको कैसा मतलब एज ए आप एकदम ना भी नहीं कर सकते, तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि आफ्टर अगर आप जीत जाते हैं तो बाद में वो लोग बंदा बोले कि आपने तब तो मुझे हाँ बोला था जब मैं कह रहा था कि सिलेंडर सस्ती होनी चाहिए, ये होना चाहिए, अब मुझे बताओ क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप तब क्या बोलोगे उसको? नहीं, मैं जिसके भी पास जाता हूँ मैं सबसे पहले उसको तीन अंतर जरूर बताता हूँ, विधानसभा, ग्राम सभा और लोकसभा। अभी सबसे बड़ा मुझे लगता है दुर्भाग्य ये है कि हम लोग तीनों में अंतर पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ग्राम सभा अर्थात जो एक सबसे छोटा बॉडी होती है, सबसे छोटी, वो म्युनिसिपैलिटी में भी हो सकती है और रूरल में भी हो सकती है। हम सबसे पहले यही कहते हैं उसका काम यह है, राशन कार्ड, गुलाबी, सफेद, पीला, प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के लिए साइन करना, ये उसकी ड्यूटीज हैं। विधानसभा में अगर आप आ जाएं तो सीधा सीधा आईटीआई कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, लाइब्रेरी, सड़क, लाइट, सुरक्षा, ये एक विधायक का दायरा होता है। लोकसभा में आ जाएं तो देश के लेवल पर जो हम बात करते ही हैं वो 370 हो सकता है, वो एक्सटर्नल अफेयर्स के जितने भी संबंध है, हिंदुस्तान चीन का संबंध हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का संबंध हो, वो बड़ी बड़ी नीतियां हो सकती हैं, वो 370 का एब्रोगेशन हो सकता है, ऐसी बातों पर लोकसभा के कैंडिडेट से बात होती है। तो मुझे लगता है बहुत हद तक ये जो गोष्ठी चल रही है सही दिशा में चल रही है। हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं यहां पर बहुत ज्यादा एक महंगाई के ऊपर, पेट्रोल डीजल और एलपीजी के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, पर जो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में होना चाहिए, जो सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो पार्किंग होनी चाहिए, जो स्पोर्ट्स को लेकर पॉलिसी बननी चाहिए, वो कहीं ना कहीं स्टेट सब्जेक्ट है। और मुझे लगता है जितने लोग सवाल भी पूछ रहे हो कहीं ना कहीं स्टेट सब्जेक्ट को लेकर ही पूछ रहे हैं। और हम बता भी देते हैं कि ये हमारे दायरे में नहीं है, हमारे परव्यू में नहीं है, और लोग बड़ी ही मधुर मुस्कान के साथ उस बात को स्वीकार भी कर लेते हैं। तो और मैं देख रहा हूं जितने भी युवा, जितने भी बुजुर्ग लोग, जितनी मातृशक्ति यहां पर है, सब इतना रिसर्च कर तो, इतना एक शोध कर तो आते हैं कि क्या सवाल हमने अपने कैंडिडेट से पूछने हैं। हो सकता है कई बार वो गली और नाली से बाहर ना आए, क्योंकि पीड़ा होती है, और वेंटिलेशन के रूप में उनको अगर कोई भी नेता दिख जाए वो सबके साथ एक ही जैसी बात, एक ही जैसी भावना उसके सामने पेश करते हैं। इसमें अपराधी वो भी नहीं है, उनको लगता है कि पार्षद ने नहीं करा, प्रधान ने नहीं करा, जिला पंचायत ने नहीं करा, मेयर ने नहीं करा, तो इनसे बोल लें। उसमें उनकी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तो मुझे लगता है उस आकांक्षा को भी जीवित रखना हमारा काम है। गलत वादा हम नहीं करते। शुरू में सड़क बनने की बात आई थी कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं सड़क का ही आपको दूंगा। सड़क बनाने को लेकर जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, वार्ड मेंबर, मेयर, प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, विधायक, सांसद, सबके सब सड़क बनाते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट्स का अगर रोल देख ले, पीडब्ल्यूडी सड़क बनाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी सड़क बनाती है, मंडी समिति सड़क बनाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क बनाता है। अब आप बताएं, इतने सारे डिपार्टमेंट, इतने सारे पद होने के बाद भी तब भी देश का यह हाल है कि हम लोग हिचकुले खाके फ्लाईओवरों पर चलते हैं, उछल उछल के चलते हैं, सही सड़क होने के बाद भी। गड्ढा तो एक दूर की बात है, अलाइनमेंट सड़क की नहीं हो रही कि आप किसी नए रूट पे चल जाएं उत्तराखंड के अंदर, इतनी जगह आप ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कांपेंगे, तब भी हमारी सड़कों का ये हाल है। तो मुझे लगता है वास्तव में यूनिफाइड बॉडी, जैसे अभी सेंटर में एक, अभी जो हमारे विपिन रावत जी थे जो CDS, एक इस तरीके से एक जो कॉमन प्लेटफॉर्म बना था, सड़कों के लिए भी कहीं ना कहीं कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ताकि बार बार हर एक चौखट पे लोगों को सड़क के लेना जाना पड़े। सबको पता हो कि सड़क कौन बनाएगा, या तो विधायक बनाएगा या वार्ड मेंबर बनाएगा।
इसका प्रोसेस क्या है, ये ना हो कि आप मेरे खास है तो आपकी तो सड़क बन गई, ये मेरे प्रेमी नहीं है तो इनकी सड़क ना बने। एक यूनिफाइड मॉडल जरूरी है जिसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम हो, चहितों को काम ना मिले, जो जरूरतमंद है उनको काम मिले। इस दिशा में मुझे लगता है एक युवा ही सोच सकता है, बजाय इसके कि हम किसी ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियन से बात करें। उसको तो जो सड़क है, मैं एक छोटा सा क्षमा चाहता हूं, एक छोटा सा और उदाहरण। एक एक उत्तराखंड में 70 विधायक है, एक विधायक का 4 करोड़ रुपए का फंड होता है और उस 4 करोड़ में 30% कमीशन होता है। 4 करोड़ का 30% हुआ 1 करोड़ 20 लाख। अब ऐसे 70 विधायक हैं, आप इसका कैलकुलेशन कीजिए, और उस 70 विधायक 5 साल तक रिकरिंग ये अमाउंट उनको मिलता है, और ऐसे 20 साल से हो रहा है। अब इस स्कैम को आप देखिए कितना बड़ा ये स्कैम है, पर हम लोग इसके बारे में कभी बात नहीं करते हैं। और ये खाली विधायक के साथ नहीं है, ये ब्लॉक में भी है, ये पालिकाओं में भी है, और ये डिपार्टमेंट में भी है। जो ठेकेदारी प्रथा को समझते होंगे हिंदुस्तान में, वो जरूर इस बात को स्वीकार करेंगे। और मैं तो कहता हूं आजादी से लेकर अब तक एक नया भारत खड़ा हो जाता जितना हमने कमीशन बांट दिया है। तो एक आप इस बात पे थोड़ा सा मंथन कीजिएगा। कोई नहीं, आखिरी सवाल के लिए हाँ, आप आशुतोष जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सर हेलो जी, कनक भाई नमस्कार। मैं बहुत छोटे छोटे 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक तो ये है कि भाई हमारे यहाँ उत्तराखंड में ईंटें तो बनती नहीं है, ईंटें बाहर से ही आती हैं। ईंटों के जो ये हमारे ट्रक आते हैं तो ये आते तो भर के हैं, लेकिन जब वापसी जाते हैं तो इनके अंदर जो कचरा बचा रहता है ये ट्रक वाले इनको कभी भी खाली करने के बाद में कभी भी समेट करके नीचे नहीं गिराते हैं। जिस जगह पे खाली किया गया उस जगह पे इकट्ठा नहीं गिराते हैं, पानी की एक बाल्टी डाल करके उसको इकट्ठा करके वहीं डाल दिया जाए तो बहुत बेहतर है। ये कभी नहीं करते हैं। मैंने इसकी कंप्लेन SDM को करी है, मैंने कंप्लेन और ऊपर तक भी की है, लेकिन कभी किसी ने इसको हमेशा इग्नोर किया गया। मैं यहाँ मंगलवार को जो वो लगता है तहसील में है, हाँ तहसील दिवस, वहाँ भी कंप्लेन की और मेरे पे उनके वो भी हैं, लेकिन कभी वो नहीं किया जाता। मैंने इनको इसकी मजबूरी वो भी बताया कि क्या बैड इफेक्ट है, जब भी वो ट्रक यहाँ से खाली होकर के जाते हैं तो पूरा रुड़की तक जाते जाते मतलब एक ट्रक कम से कम 10 लोगों की आंखों में इतनी ज़्यादा करकर डाल देता है कि वो आँख रोक करके अपनी स्कूटी वगैरह को वहीं पर खड़े होकर के मरने को मजबूर हो जाते हैं। और उनमें से रोज एक ना एक बंदा हॉस्पिटलाइज जरूर होता है, क्योंकि वो जो डस्ट होती है वो बहुत करकती है आंखों में और उसको बहुत तकलीफ होती है। तो ये एक इस पर समाधान निकलवाया जाए किसी तरीके से। दूसरा, ये वेल्डिंग की दुकानें हैं हमारे शहर में, गलियों गलियों में वेल्डिंग की दुकानें हैं, ये वेल्डिंग करते हैं बाहर पे करते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रात के टाइम करते हैं, कोई बच्चा अगर उनको क्योंकि बच्चा है उसको जागरूकता है, उस बच्चे के अंदर उस पर जागरूकता यह है कि वो खड़े होकर के उसको देखने लग जाता है। वो तो नंगी आंखों से देख रहा है बच्चा, वो नहीं वैसे करके देख रहे हैं चश्मे से कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा उसको देखने लग जाता है उसकी आंखें रात को वो माँ बाप को तंग करता है। तो क्यों नहीं इस वेल्डिंग का काम किया जाए, लेकिन अपने शटर काला शटर लगाया जाए और उसके अंदर दुकान के अंदर किया जाए, ठीक है। और तीसरी एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि पर्यावरण के लिए जो ये क्या बोलते हैं इसको पॉल्यूशन का हम लोग वो लोग करवाते हैं। जब अभी गडकरी जी ने वो किया था तो सबके सबने अपनी स्कूटियों का पॉल्यूशन तुरंत भागे कि यार ये जुर्माना लगने वाला है, ये होने वाला है। जुर्माने के डर से तो सबने करवाया, लेकिन पॉल्यूशन एक्चुअली में करवाता कोई नहीं है। पॉल्यूशन में जाते हैं, वहाँ फीस देते हैं और कुछ नहीं। क्या है ये, क्यों, ये ठेका ही तो दिया गया इन लोगों को कि पॉल्यूशन का वो दे दीजिए आप। कभी किसी का पॉल्यूशन क्या उन्होंने चेक किया, नहीं किया जाता, खाली एक फॉर्मेलिटी के तौर पर दे दिया जाता। क्यों, इसका निराकरण निकालना कैसे निकाला जाए, करा जाए। बहुत ही वाजिब क्वेश्चंस थे, वुड यू लाइक टू आंसर देम? कि यार ये एक वेल्डिंग वाले को मैं कह सकता हूँ कि उसको हम हजार्डस इंडस्ट्री की कैटेगरी में डालकर उसका जो सोल्यूशन है निकल सकता है। जब हजार्डस इंडस्ट्री में वो आ जाएगा तो स्वाभाविक है कि जो गाइडलाइंस जो SOP गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित होंगी उसको जरूर। बट आपने जितनी भी 3 बातें बताई बहुत ही बारीक ऑब्जर्वेशन आपका था, और शायद इन सारी बातों को हम सब ने अपने जीवन में देखा होगा, बट उसको शब्दों में पिरोना
और फिर उसको समस्या का एक आकार देना, एक आकृति देना, मुझे लगता है बहुत ही बारीक और ऐसे सवाल जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और जो सेम सवाल आपका पोल्यूशन वाला था, उस बात से तो मैं भी सहमत हूं। सर्टिफिकेशन मिल जाता है, बट एक औपचारिकता है कि आप जाओ, वो ठेकेदार बैठे हुए हैं, आप जाएंगे, आप उनसे प्रमाण पत्र लेंगे, गाड़ी के आगे चिपकाएंगे और आप पूरे भारत में घूम सकते हैं उस प्रमाण पत्र को लगाने के बाद। तो वेल्डिंग वाले काम में मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार का और लोकल लेवल पर भी जो लेबर ऑफिसर है, जो इंडस्ट्रीज देखते हैं, जो ऐसी चीजें देखते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको उसके परव्यू में ला सकते हैं। बाकी जो पोल्यूशन बोर्ड है, कहीं ना कहीं जो समस्या है। और एक आखिरी सवाल, सबसे बड़ी बात, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके एक्नॉलेजमेंट में है। पहले हम उसको प्रॉब्लम समझे तो सही। और मुझे लगता है आज इस मंच के माध्यम से, बोल कुल्लड़ बोल और संजय सिलसवाल जी के माध्यम से अगर आपने ये प्रॉब्लम बताई है, तो देर सवेर इस प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम भी मंथन करेंगे। और अगली बार मैं जरूर कुछ ना कुछ इसके सोल्यूशन की तरफ आपको एक बेहतर विकल्प का रास्ता जरूर मैं आपको कुछ ना कुछ। और ईंटों के डस्ट का जो सॉल्यूशन है वो तो और बीजी है यार। हम ही पब्लिक लोग उन ट्रकों को रोक करके बोलेंगे भैया वो करो, जहां से उड़ाते हुए जा रहे हैं वहीं रोके उनको, क्यों? और बोले पानी की एक बाल्टी डालो यहीं साफ करो, तो और भी सरल है यार। लेकिन पब्लिक ने तो खुद वो होती है, जागरूक होती है ना, हमारा प्रशासन तो सोया ही रहता है। मैं आपके सवाल का एक जवाब देना चाहूं। मैं आर्किटेक्ट हूं, बिल्डिंग लाइन से हूं। मैं भी सिविल इंजीनियर हूं। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप इतने अच्छे सवाल उठा रहे हो हमारे बीच में, आप हमारा एक पार्ट हो जी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि वैसे तो हमारे पास बहुत सारी ग्रीन बिल्डिंग्स नॉर्म्स हैं हमारे पास ना, IGBC है इसमें, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, लीड है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रीन बिल्डिंग के ऊपर काम कर रही है। लेकिन क्या है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में जब हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी अब देहरादून में या जो उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, उसमें ग्रीन बिल्डिंग, आपने एक पॉइंट पकड़ा जो कि बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि आपने एक ब्रिक वाला उसमें लिया। मैं आपको बता दूं कि बिल्डिंग में सारे जितने कंपोनेंट है, ग्लास कह लीजिए, ब्रिक कह लीजिए, कॉलम्स कह लीजिए, RCC कह लीजिए, मेटल, ये सब का सब हम अर्थ से तो ले रहे हैं, आप स्टोन कह लीजिए, आप एक एक पार्ट बिल्डिंग का जो है हम इन्वायरमेंट से उठाते हैं, समझ रहे हैं आप? तो क्या है कि और साथ साथ आप हम हमारा जो वर्षा जल है ना, जैसे जिसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, वर्षा जल बचाने को, मैं कह रहा हूँ क्या है कि रेजिडेंशियल में हमने इसकी बात करी थी, मतलब इसको हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, हमने कहा था कि क्या रेजिडेंशियल में कितना किया जा सकता। देखिए फ्लाई ऐश ब्रिक्स आती हैं, जो फ्लाई ऐश से बनती हैं, उन ब्रिक्स से क्या होता है, एक तो हमारा फ्लाई ऐश है जो, वो कंटेंट एनवायरनमेंट में कम होता है और साथ में ब्रिक बन जाती है जिससे कि हम घर बना लेते हैं, ये बहुत आसान है। लेकिन क्या है कि इसकी अवेलेबिलिटी करवाना और आदमी के अप्रोच तक पहुंचाना। देखिए घर बनाने के लिए हम फिर वो देखते हैं कि लोकली अवेलेबल मटेरियल क्या है, समझ रहे हैं? हम साथ साथ ये देखते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगी। अगर हर घर में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बोल दें, उसका जो है वो रेन वाटर, देखिए थर्ड लेयर ऑफ वाटर को रिचार्ज करने के लिए इतना एक्सपेंस बढ़ जाएगा। हम एक अगर हम ग्लास के लिए कहते हैं नॉर्मली जो है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तो ये MDA जो ये बनाए गए हैं, इनको पहले से, मतलब जिसका भी नक्शा ये पास करे उनको पहले कंपलसरी करें। मैं आपको इस चीज को, हर नक्शे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पास कराना अनिवार्य है, नहीं, लेकिन बनाता कोई नहीं है सर, पॉसिबल नहीं, उस चीज के लिए दबाव दिया नहीं जाता, दबाव तो इस चीज के लिए जाता है कैसे गर्म की जाए। मैं आर्किटेक्ट हूँ, लगातार नक्शे पास करा रहा हूँ, हर नक्शे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कागजी तौर पर पास करवाना अनिवार्य है, लेकिन वो मौके पे देखिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उल्टा करते हैं, हम जमीन से जो है बोरिंग करके पानी निकाल रहे हैं, लेकिन रिचार्ज पिट कोई नहीं बनाएगा। 2 लाख रुपए का खर्चा अपने बेनिफिट के लिए हम करते हैं, हम उस रेन वाटर। संजय कोटियाल जी, आपकी ना पिछले वाले सेंटेंस में मैं एक वर्ड के ऊपर ना एस्टरिस्क लगाना चाहूंगा, कागजी तौर पर। बिल्कुल सही है, नहीं मतलब, मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में हर मैप में, देखिए ये पर्टिकुलर नहीं है, ये डिपार्टमेंट का सवाल है, इसमें व्यक्तिगत सवाल नहीं है, हर मैप में जो पास हुआ है, मैं आपको कह रहा हूं जितने भी अथॉरिटी से नक्शे पास होते हैं, मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैलकुलेशन करता हूं ना, तो हर मैप में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन अनिवार्य है जी, हर मैप में। बट मैं कह रहा हूं हम रेन वाटर को जमीन से जो हमारा कलेक्टेड वाटर रिजर्व है, जो पुराना कलेक्टिव वाटर रिजर्व है जी, जो कि आज तो सर हार्डस्केप हो गया, सड़कें बना दी, कंक्रीट का जंगल बना दिया शहर को, जितना पानी जमीन में गया था पहले से वर्षा जल, उसको निकालने के लिए तो हम बोरिंग कर रहे हैं,
मैं कह रहा हूँ जो सबसे हार्मफुल है, हमें बोरिंग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, लेकिन रिचार्ज स्पीड बनाने के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि आपको देखो आपका पानी का बिल कम हो जाएगा, आप क्या करीजिए बोरिंग लगा लीजिए, समझ रहे हैं? और आप जितना मर्जी पानी खर्च करें तो आदमी खुश है 2 लाख रुपए खर्च करने के लिए। आपको अगर 1 लाख रुपए भी खर्च करना है उस रिजर्वायर को भरने के लिए जो सबके काम आएगा इन फ्यूचर जनरेशन के लिए, कौन करेगा आप बताइए ना। तो मैं कह रहा हूँ ये इशू एक बहुत बड़ा है, इसको जो है रेजिडेंशियल पे लाने के लिए बहुत रिसर्च की जरूरत है, और हमारे यहाँ रिसर्च जो है फॉर मनी मेकिंग पर्पज किया जाता है, फॉर एनवायरमेंट पर्पज नहीं किया जाता है। ठीक है सर, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि हम अगर पब्लिक भी जागरूक हो जाए तो इन ये जो बिल्डिंग मटेरियल की डस्ट जो उड़ाते हुए चलते हैं भागते हैं, तो इनको रोक करके हम इनको वहीं के वहीं सही करवा सकते हैं। लेकिन पब्लिक को तो इस चीज़ पर ध्यान देना ही नहीं, और प्रशासन इस चीज़ को करने को तैयार नहीं। तो मैं ये चाह रहा था कि आप अगर कभी कुछ हो तो इस पर जरूर वो करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव। आखिरी सबसे पहले तो दोनों लोगों का धन्यवाद। जिनके लोगों के हाथ में अभी चाय का कुल्हड़ नहीं है तो तालियां बजा सकते हैं, मेरी तरफ से तालियां हैं आपके इस संवाद के लिए। बहुत ही एक यूजफुल इनपुट था दोनों लोगों की तरफ से। और एक आखिरी सवाल, एक क्वेश्चन शेयर कर ले साथ में। एक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लोकल एमएलएस को फंड्स देती है, और पीछे मैंने न्यूज़ पढ़ी थी उत्तराखंड में मोस्टली एमएलएस को जो फंड मिला है वो 60-50% ही यूटिलाइज हुआ है, बाकी फंड्स यूटिलाइज नहीं हुए। तो आप आने वाले लीडर भी हैं, तो आपका प्राइमरी विजन क्या है कि आप अपने फंड्स को किस दिशा में एलोकेट करेंगे और कैसे उनके चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे कि वो फंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके? आपका क्वेश्चन क्या है, अगर हम लोग दोनों क्वेश्चंस को एक साथ ले सकें तो? मेरा क्वेश्चन थोड़ा सेपरेट है। मेरा ये है कि आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं जी। तो हर इंसान अपने थॉट शेयर कर रहा है और अपने आसपास की एनवायरनमेंट की बहुत छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन को प्रॉब्लम्स के फॉर्म में बता रहा है जी। और ये तब हो रहा है जब इलेक्शन आने वाले हैं। तो क्या हमारे पास एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसमें कि एक नॉर्मल यूजर या नॉर्मल इंडिविजुअल अपने क्वेश्चन रेज कर सके, उसमें उसे कहीं ना जाना पड़े, उसे किसी क्या कहते हैं किसी विधानसभा ना जाना पड़े, किसी गली ना जाना पड़े, किसी नेता के पास ना जाना पड़े, उसके पास वो चीज़ आए, वो वहाँ पे क्वेश्चन रेज करे और उसे वहीं पे उसका आंसर मिले कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है तो किसके पास चैनलाइज हो, वो सारे आंसर उसके पास घर बैठे बैठे भी तो आ सकते हैं। डिजिटलाइजेशन इतना स्ट्रांग है आज के टाइम पे, तो इसको हम कैसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट दे सकते हैं? बिकॉज आई सी कि आप वो यूनिफॉर्मिटी ढूंढ रहे हो अपने थॉट्स में इन डिफरेंट डायमेंशंस, तो ये भी आई थिंक एक बहुत बड़ा इशू है जो आज आप आ रहे हैं सबसे। मैं आपका आंसर मैं पहले कर देता हूँ, फिर आपके आंसर पर आ जाएंगे। जब हम लोग ना इन्फॉर्मेशन सीकिंग की बात करते हैं तो यकीन मानिए ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपको इन्फॉर्मेशन जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ सिंगल सोर्स से मिले। अगर वो सिंगल सोर्स से मिलने लगेगी तो वो बहुत ही खतरनाक चीज़ हो जाएगी, राइट? फिर आप तो मतलब आपको कभी भी मतलब एक तरह से किधर भी हाँका जा सकता है उस इन्फॉर्मेशन के दम पे। जहाँ तक रही बात की आपने जो बात बोली कि ये चुनाव आने वाले हैं इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, आप इसे कह सकते हैं, लेकिन ये उस फ्रेम में नहीं था। फ्रेम बेसिकली ये था कि जब हम लोग एक बार मिले तो एक इंटरव्यू के सिलसिले में मिले और हमें लगा कि इस तरह की बात हम तो कर पा रहे हैं लेकिन इस तरह की बात लोगों के साथ भी होनी चाहिए। हम दो लोग क्यों, हम अगर इस तरह की बात या शहर के बारे में सोचने वाले सिर्फ हम दो नहीं है, शहर के बारे में सोचने वाला पूरा शहर है, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पूरा शहर उसमें इन्वॉल्व हो पाए? तो फिर निकल के आया कि जगह क्या हो सकती है, तो लकीली हमें जगह CSB ने प्रोवाइड कराई, एंड बिग हैंड टू देम, वो आपको हमारी शाम को हेल्प करते हैं हमारी शाम को बनाने में अपनी चाय के साथ। तो ये सारी चीज़ें जब इन्वॉल्व हुई ना एक साथ, तो हम लोग एक डिसीजन पे पहुंच पाए कि हम लोग एटलीस्ट संडे को एक शाम ऐसी बना सकते हैं, और हर संडे को लगभग हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की शाम, जब तक कि अभी तो जल्दी आचार संहिता लग जाएगी तो अब शायद मुश्किल हो पाए ये कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, आगे कोशिश करेंगे इसको डिजिटल फॉर्म में करने की जब तक हम लोग इसको ओपनली नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह के ग्राउंड्स पे पॉसिबल ना हो करना। तो ये मेरा वो था इस चीज़ को लेकर के। और जहाँ तक आपने कहा कि एक सिंगल सोर्स हो तो वो होना भी नहीं चाहिए, चीज़ों की ऑथेंटिसिटी रहे लेकिन सोर्स मल्टीपल रहे ज़्यादा बेहतर है, ताकि हम लोग ऑथेंटिक चीज़ तक पहुँच पाएँ।
आप उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। इसमें भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप। नहीं नहीं, अच्छा सुझाव है, और आप यूथ हैं, जरूरी नहीं कि सारे जवाब, कुछ बॉटम टू टॉप भी होना चाहिए और कुछ टॉप टू बॉटम भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है इस चीज़ को लेकर, ये पॉलिटिकल परव्यू से बाहर है, अगर कुछ ऋषिकेश का यूथ ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है तो मुझे लगता है हम सबको, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि एक शहर का बेटा होने के नाते, या जिसको लगता है, मुझे भी यही लगता था कि कुछ होना चाहिए, मैंने इनिशिएट किया, तो हमने रिक्वेस्ट करी, हमने बालाजी से रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने कवर भी किया। तो मुझे लगता है इस, ये जो एक रेस है, इसमें जो बैटन है वो आपको पकड़ा दी गई है, आप और आपको इन युवाओं से, सिलसवाल जी से, बालाजी से, जिस भी तरीके का आप लोग अपने शो को कराने के लिए, मुझे लगता है ये लोग कोऑर्डिनेट भी करते हैं। शहर की बात थी इसलिए सब लोगों ने हामी भी भरी। इसको छोड़कर अगर कोई और मॉडल भी है जिसको भले ही हम अभी ना करें ताकि एक डाउट ना रहे कि इलेक्शन को लेकर, हो सकता है इलेक्शन के बाद करें, बट वो कंसिस्टेंट रहे, वो लगातार रहे, निरंतर रहे, तो अगर कुछ आप जैसे ओजस्वी युवा अगर कुछ ऐसे विचार देते, हम उस पर जरूर, मुझे लगता है मंथन करेंगे। और कोई भी चीज, और हर चीज, जरूरी नहीं कि एक 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 कैंडिडेट के एंड से आए, एक ऑर्गेनाइजर के एंड से आए, या एक प्रोडक्शन हाउस के एंड से आए, कुछ चीजें, कुछ सुझाव मुझे लगता है जो आपने दिया है ये बहुत ही ज्यादा, जो सर ने इससे पहले बात कही तीन बिंदुओं पर, शायद ही कोई नेता, शायद ही कोई जो कह लीजिए पर्यावरणविद है, वो इस दिशा में सोचता होगा। तो मुझे लगता है ये जो संवाद है बहुत ही ज्यादा आई ओपनिंग है, आंखें खोलने वाला, और अगर इसको लेकर कुछ जवाब भी अगर हम लोग सोल्यूशन भी करें तो हम लोग आपके साथ, आपकी लीडरशिप में जरूर ऐसे मंचों पे हम लोग प्रतिभाग करेंगे। दूसरी बात, आपने जो बात कही कि कैसे अपने फंड्स को यूटिलाइज करना है, मैंने भी एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें यहीं के कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास फंड्स था और उन्होंने 55% ही अपने फंड को यूटिलाइज किया था, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले जो 50% फंड होते हैं उसको आप मंचहितों को दे दीजिए, ताकि जो लोग नाराज हैं, रुष्ट हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, ताकि वो बैक टू पवेलियन हो जाएं। इस फंड का एलोकेशन ऐसे ही होता है और अभी तक लोग करते आ रहे हैं, और अधिकतम जो फंड है वो आप देखेंगे ज्यादातर सोलर लाइट, बेंचेस और सीमेंट की रोड में लगता है मैक्सिमम जो फंड है। इससे ज्यादा अगर आप, मैं आपको एक क्यूमुलेटिव डेटा बता रहा हूं, इसको भी अगर आप आरटीआई के माध्यम से निकालना चाहें आप जरूर निकाल सकते हैं। हमारा थोड़ा सा जो प्रोसेस रहेगा वो ये नहीं रहेगा कि हम पूरा पूरा फंड बांटे, बट जिसको भी बांटे एक समझदारी से बांटे और उसकी यूटिलिटी क्या है, क्योंकि सड़क बनाना वो और बॉडीज भी काम कर रही हैं। एक 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 विजनरी मॉडल के साथ हम उस फंड का क्या कर सकते हैं। इसमें करण जी एक बात और है कि लाइक एक फंड जो है वो रिक्वायर्ड है किसी सिस्टम को रन करने के लिए, दैट इज एंटायर डिफरेंट। वो गवर्नमेंट अपने एंड पे कर रही है, वो अगर हम लोग विधायकों की बात करें तो आई थिंक दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सैलरी विधायक नहीं दे रहा है, ठीक है, बाकी चीजों की सैलरी या और खर्चे विधायक नहीं कर रहा है, लेकिन क्या इसको ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि किसी भी विधायक को फंड रिलीज करने से पहले उससे रिक्वायरमेंट मांग ली जाए कि भैया चाहे विधायक निधि भी है आप रिक्वायरमेंट दीजिए, देन ओनली ये उसके बेसिस पे होगा, ताकि उसको टैली किया जा सके बाद में। बिल्कुल, होता क्या है, आप जितने भी लोग यहां पर हैं, बहुत सारे प्लॉटिंग में एक एक मकान है और उस मकान में भी 3-3 लाख की रोडे गई हुई है और उसकी जो यूटिलिटी है सड़क की वो खाली 4 या 5 लोगों के लिए है, और ऐसी भी आप ही के मोहल्ले में अगल बगल ऐसी सड़कें होंगी जहां से कम 500,000 गाड़ियां कम्यूट करती हैं, लोग कम्यूट करते हैं, वहां पर सड़क की हालत आज भी बहुत ही ज्यादा बेकार है, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। सहमत हूं आपके विचार से कि एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो चेक एंड बैलेंस करे फंड्स का और उसके एलोकेशन का। थैंक यू सो मच फॉर आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए। कोई सवाल अभी किसी का, कोई, अच्छा आप एक पूछना चाह रहे हैं, लास्ट सवाल ले लेते हैं आज का, फिर उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे लोक कलाकार हैं वो, उनको थोड़ा सा वक्त दिया जाए।
हेलो जी, आगामी 2022 चुनाव के लिए बेस्ट ऑफ लक कनक जी। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आप विधायक बनते हैं तो विधायक फंड होता है तो उसका बंदर बांट होता है स्टार्ट, ठीक है, अभी भी चल ही रहा है। क्यों ना ये फंड स्कूलों को दिया जाए कि जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फीस, तो डायरेक्टली वो बच्चों के पास जाए जो नहीं दे पा रहे हैं, है ना? तो इस पे आपका क्या विचार है? बिल्कुल, मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा अभी जो ये फंड यूज हो रहा है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या सिविल कार्यों में यूज हो रहा है। इसका जरूर एजुकेशन भी एक एस्पेक्ट होना चाहिए और हेल्थ भी एक एस्पेक्ट होना चाहिए, जो लोग महंगा इलाज महंगे टेस्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको भी इस माध्यम से कहीं ना कहीं, मुझे लगता है वो टाइम आ गया है। क्योंकि अभी तक जो हम लोग चल रहे थे बहुत ज्यादा ब्रिटिश मॉडल था, सिर्फ और सिर्फ सिविल वर्क के लिए हम लोग इसको एलोकेट कर रहे थे। अब मुझे लगता है जरूरत है हेल्थ और एजुकेशन में भी एलोकेट करने की, बट उसमें भी एक संभावना है जो नेताजी के प्रिय लोग होंगे। अभी तक तो यही चल रहा है, नहीं इसमें भी यही होगा जो कार्य आप समझिए। देखो बंदर बांट रोकना एक अलग चीज है और फंड को एलोकेट करना एक अलग चीज है। या तो जब फंड होगा और उसका जो एलोकेशन होगा, या तो उसके कुछ पैरामीटर बन जाए, इतनी आय होनी चाहिए, ऐसा मकान होना चाहिए, इतने सदस्य होने चाहिए और स्कूल की फीस ये होनी चाहिए और बच्चे की परसेंटेज ये होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो बंदर बांट है वो रुकेगी। यही मेडिकल में भी होना चाहिए कि हॉस्पिटल जो है वो किन किन बीमारियों में लेगा, किन किन टेस्टों में लेगा, क्योंकि आयुष्मान कार्ड आ चुका है, बट आयुष्मान कार्ड सिर्फ और सिर्फ एडमिट होने के बाद आपका कार्ड लगेगा। एडमिट होने से पहले भी लोगों के इतने ज्यादा टेस्ट होते हैं, वो 8,000 10,000 15,000 के वो टेस्ट होते हैं और हॉस्पिटल अब एडमिट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सुझाव है जो एक दायरा है एमएलए फंड का, स्टेट एक्सचेकर का, वो कहीं ना कहीं उसके उसके जो डायनामिक्स है उसको बहुत ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता है। और सिविल वर्क से ज्यादा मुझे लगता है सिविल वर्क, जैसे मैंने बॉडीज गिनाई है, सभी लोग सिविल वर्क में लगे हुए हैं, तब भी आज ये हालत है कि अभी भी अच्छी सड़कें नहीं है, 9-10 डिपार्टमेंट होने के बाद भी अच्छी सड़कें नहीं है। तो बेहतर है कि वो जो फंड है वो लोगों को उनकी सहायता के लिए, एजुकेशन के लिए, उनके फंड के लिए यूज किया जाए, ताकि अच्छा माहौल, अच्छी हमारे लोग जो है वो स्वस्थ रहे, घबराए ना कि मेरी जेब में इतना पैसा नहीं है मैं कैसा अस्पताल जाऊंगा। तो बहुत अच्छा सुझाव दिया, मुझे लगता है जरूर इस पर काम होना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का, एक बार जोरदार तालियां इस सर शाम को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। सवाल अभी मुझे मालूम है बहुत सारे सवाल बाकी रह गए हैं, कुछ सवालों की लिस्ट अभी मेरे पास भी है जो जिसमें से अभी जिनको एड्रेस किया जाना बाकी है। सवाल होते रहने चाहिए, सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा। न्यूटन ने अगर सवाल नहीं पूछा होता कि सेब जमीन पर क्यों गिरा, तो हम शायद भौतिकी की दुनिया में इतने बड़े जो आविष्कारों के साथ आज हम जी रहे हैं, उन सुविधाओं के साथ जी रहे हैं, उसमें हम लोग शायद उनके अभाव में जी रहे होते हैं। सवाल ज़रूरी हैं, लेकिन सवाल से ज़्यादा ज़रूरी कुछ और चीज़ें भी हैं, और मुझे लगता है उनका ध्यान भी रखा जाना चाहिए, उन तक भी नज़रें इनायत होनी चाहिए। हमारे बीच में एक लोक कलाकार हैं डिमरी जी, मैं चाहता हूँ कि आज की शाम एक ज़ोरदार तालियों के साथ उनको यहाँ पे आमंत्रित करते हैं और उनको मंच देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि उनसे रूबरू हो सके, उनकी कला से रूबरू हो सके। एक माइक दीजिएगा डिमरी जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आप अपने परिचय के साथ शुरू कीजिए कि क्या आप। सर मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का हूँ जी, और मनेरी झील आपने देख जी, आप गए होंगे वहाँ जी, जी। मनेरी झील के सामने एक छोटा सा गाँव है जी, डिडसारी जी, वहाँ का रहने वालों जी। तो सर दो चीज बोलना चाहूँगा, गांव जैसे सन आपको पता होगा, सभी किसी को पता हो चाहे ना हो, सन 1991 बे में भूकंप आया था जी, तो हमारे गांव में जितने भी बिल्डिंगें थे सारे नीचे गिर गए थे जी, उत्तरकाशी का जो भूकंप था। हाँ उत्तरकाशी वाला जो भूकंप था, तो उसमें कम से कम सॉरी डिब्रिज में यहाँ पे रोक रहा हूँ, आप वैसे जितने लोग गढ़वाली भाषा को समझते हैं जानते हैं, उन सारे लोगों को मैं याद दिला दूं, या बहुत सारे लोगों को शायद पता भी ना हो इस बात का, एक गढ़वाली सिनेमा के अंदर एक बेहद ही पॉपुलर मूवी बनी है जिसका नाम था चक्रचाल, और वो उसका जो बेस था
वो यही घटना है जिसका जिक्र डिमरी जी कर रहे हैं, उत्तराखंड में जो भूकंप आया था 91-92 के आसपास। जी सर, उस टाइम में हम बहुत छोटे थे जी, तो हमको थोड़ा थोड़ा सा धुमला धुमला याद है जी। तो सारी बिल्डिंगें नीचे गिर गई थी और 57 लोग हमारे गांव में गुजरे थे जी उस भूकंप से जी। तो उस समय सरकार ने कुछ भी मदद नहीं की थी जी। तो जैसे तैसे लोगों ने मकान बनाया जी। और आज पीड़ा हमारे गढ़वाल में क्या है जी। कि आप जो सरकारी स्कूलें हैं आप वहां जाइए देखिए कि एक भी बच्चा गढ़वाल का पढ़ता नहीं उस विद्यालय में। जो सरकारी स्कूल हैं एक भी बच्चा नहीं पढ़ता। कौन पढ़ रहे हैं? नेपाल के जो बच्चे हैं वो, और बिहार से जो आए हुए काम करने उनके बच्चे, जो बाकी के गांव के लोग कोई भी पढ़ नहीं रहा। आप देख सकते हैं जी, ये पीड़ा हमारे गढ़वाल में जा रहा है क्योंकि जो लोग एक स्थानीय होते हैं, जो उस पीड़ा को बेहतर समझते हैं, उनसे उस पीड़ा को जानना समझना हमारे लिए किसी भी सवाल को फ्रेम, हमें उस सवाल को फ्रेम करना होता है। हम लोग उस सवाल को एक सांचे में बांध देते हैं, लेकिन उसमें जो भाव है, उसमें जो फीलिंग्स होती हैं उसके पीछे, वो जब कोई उस दौर से गुजरा है, कोई उस जख्म से गुजरा है, तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है। डिबरी जी, आप हमें पता चला आप लोक कलाकार हैं जी। जी जी, क्या किसमें आप महारत रखते हैं? सर महारत तो कुछ नहीं है अभी जी। अभी ये क्योंकि वहाँ तो कुछ है नहीं सीखने के लिए, कोई सिखाने वाला है नहीं वहाँ जी, जी, जी। तो फिर मैं पंडिता ही काम करता हूँ जी। तो जैसे मंत्र हो गए, मंत्र के सारे सारे जी। तो जैसे गांव भागवत कथा होती है वहाँ भजन गा गा के थोड़ा सीख गए जी। बस ऐसा सीखा नहीं किसी से जी। पर अभी अभी, अभी आप आज की शाम आप अगर बोले तो आप आपकी कला की सौगात क्या होगी, मतलब आज की शाम हमारे मेहमानों के लिए? सर आज आज मैं देहरादून गया था जी। और एक गढ़वाली सॉन्ग है मेरा जी, आज उसकी रिकॉर्डिंग करके आया हूँ। ओके, और तो आज आप चाहें तो उसको रिकॉर्डिंग जब आएगी तब आएगी, हम लोग चाहेंगे उसे प्री लॉन्च यहीं कर दे जी जी। और जो एक बार जोरदार तालियां इसके लिए, आज की शाम मेरे को लग रहा है आज खूबसूरत शाम हमारे लिए। और जो जो गाना है मेरा जी, आजकल तो डीजे पैटर्न चल रहा सारा जी, तो जो बोल है गढ़वाली गाने का नाम है धक्कम धक्क होएगी। अच्छा, जैसे भीड़ होती है ना, भीड़ में धक्का लगती है, तो वही धक्कम धक्क होएगी गढ़वाली, थोड़ा सा गढ़वाली बोल जी। तो आपको थोड़ा एक भजन सुनाता हूँ छोटा सा जी, और उसके बाद दो लाइन इसकी सुना दे जी। हा अरे माथ मचंदा, अरे मथ मचंदा जट मगंगा रेंद पार्वती गेल वर सवार कर दुनंदा। बाबा कैलासी बाबा अविनाशी पर्द सर पोके मावाचा मेरो बाबा विश्वनाथ रख म्यारा माथा। अरे मथ मचंदा जट मगंगा रेंद पार्वती गेल वर सवार कर दुनंदा। बाबा कैलासी बाबा अविनाशी पर दूसर तू की मावाचा मेरो बाबा विश्वनाथ म्यारा माता। कुद झंगर निखांदो दाव भात, निखांदो कुद झंगर निखांदो दाव भात, निखांदो खट मिठाई निखांदो फल फूल जितो पुत पेंदो भांग की सोटा छा मेरो बाबा विश्वनाथ रख प्यारा माथा। आपको ले चलता हूँ जो मेरा नया सॉन्ग है आने वाला है। तो अभी अभी मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, अभी तो सब्सक्राइब कम ही हुए हैं, तो अभी नया नया चैनल है। और धकम धक होगी जो अभी नया सॉन्ग है, आज इसकी रिकॉर्डिंग करके आई। अरे पेठ को मसाऊं
देव के दका मुख यख चा बलू समाओ अरे आवद्या खदाओ ढल बजे रण सिंह बजी बजलो दमाओ ढल बजे रण सिंह बजी बजलो दमाओ अरे भल रंगत एगे बे आ अरे भल रंगत एगे बे तिलेदार बोला हा धकम धक होएगे तिलेदार बोला हा धकम धक होएगे अरे पेठ को मसो पेठ को मसो देके दका मक यख क्या भलो समो अरे आवद्या खदऊ ढल बजे रण सिंह बजी बजलो दमऊ ढल बजे रण सिंह बजी बजलो दमऊ अरे भल रंगत एगे बे तिलेदार हा तिलेदार बोला हा धकम धक होएगे तिलेदार बोला हा धकम धक होएगे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद टिमरी जी और आज इस कार्यक्रम को यही सहजते हुए यही समेटते हुए अगले रविवार शाम को वही 5 बजे आपसे फिर चर्चाओं का दौर शुरू होगा आपसे फिर चर्चाओं का सवालों और जवाबों की उस गंगा को फिर आगे बढ़ाया जाएगा तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और इससे पहले कि हम लोग आज के कार्यक्रम का समापन करें मैं चाहता हूं एक बार हमारे जो वेन्यू पार्टनर हैं CSB चाय सुटा बार पोखरियाल जी हैं या आयुष आयुष भाई हैं मैं चाहूंगा एक बार उनको मंच पर आमंत्रित करना एंड ये हमारे वेन्यू पार्टनर हैं CSB से पोखरियाल जी हैं और जोशी जी हैं तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बिना इनके बिलीव के ये पॉसिबल नहीं हो पाता एक अरे एक 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 बार और मैं आप लोगों से उनका उत्साहवर्धन करने की गुजारिश करूंगा ये वो लोग हैं जो बिजनेस को एक नया नज़रिया दे रहे हैं बहुत कम लोग होते हैं जो अभी भी इतनी अवेयरनेस के बाद भी कि जिन्होंने भरोसा किया स्टार्टअप्स के ऊपर और बड़ी खुशी होती है जब ऐसे यंग लोग यंग जनरेशन के लोग आकर के किसी स्टार्टअप की ओर हाथ बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं उस स्टार्टअप को शहर का एक रिमार्क बना देना एक ऐसा पॉइंट बना देना जहाँ पर शहर आके बात करना चाहे हम लोगों ने भी इनसे इसीलिए गुजारिश की कि हमें पता है कि शहर में इसके लिए सबसे मुकम्मल जगह कहाँ पर मिलेगी तो चाय सुट्टा बार था एंड थैंक यू सो मच मेरी तरफ से हमारी पूरी टीम की तरफ से एंड वी विश यू ऑल द गुड लक आप जो भी फ्यूचर में करें और इट वॉज रियली जिसे बोलते हैं ना एक प्लीजेंट कि हम लोग यहाँ पे कर पाते हैं और आप लोग उसमें हमारा सहयोग कर पा रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अस एनीथिंग कुछ आप थैंक यू ऋषिकेश इतना बढ़िया क्राउड इतना काफ़ी अच्छा हर वीक हर संडे काफ़ी मनोरंजन टाइप था काफ़ी मज़ा आया एंड थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग हैं जो भी हैं जैसे भी हमने जब भी शुरुआत करी पूरा आप लोगों के सपोर्ट से है थैंक यू सो मच थैंक यू ऋषिकेश थैंक यू सर कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया एंड एक पॉइंट मिला जहाँ लोग आके बात कर सकें अपना पॉइंट रख सकें इट वॉज अ वेरी गुड फन थैंक यू थैंक यू सो मच सो आई होप जो भी सवाल आज एड्रेस नहीं हो पाए वह हमारी अगली मीटिंग में एड्रेस होंगे हम लोगों के अगली गुफ्तगू में एड्रेस होंगे सवालों और जवाबों के सिलसिले को रुकने नहीं देंगे सवाल पूछते रहिए जवाब मिलते रहेंगे थैंक यू गॉड ब्लेस यू ऋषिकेश